वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ऑलराइट, ऑन दैट नोट माय आर्मी, वी आर हियर विद येट अनदर सेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो भैया ये जो आपकी JEE 23 की सीरीज चल रही है उसके अंदर ये रहा चैप्टर। बाय द वे, पूरी तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ ऑन यूट्यूब एब्सोल्युटली फॉर फ्री, देन tinyurl.com/JEE with Neha मैम इज योर अड्डा। ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो एक बारी जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, इस वक्त आपकी लाइव चैट पर भी एक लिंक पिंड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब मैं फटाफट से आपको बता दूं, जो भी चैप्टर्स हम करते जा रहे हैं अपनी ब्रांड न्यू सीरीज़ में वो तो इसमें साथ साथ ऐड होते ही जा रहे हैं। ठीक है, मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सब ऐड हो चुका है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो चुका है। आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बारी है। अब सवाल आता है, नेहा मैम अगर मैं ये आज का सेशन देख लूँ इनफ है? नहीं, सुनो ध्यान से, आप इस सेशन के बाद देखो 22 के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, करेक्ट। इसके बाद आपके और भी, जैसे कि अगर आप और पीछे जा सकते हो, 2021 के सवाल, 2020 के सवाल, ये तो करने ही करने हैं। एंड आपको एक वर्कशीट भी मिलती है सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, जिसको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब करते हो उसके साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मॉक पेपर्स लगाओगे, देन यू कैन से कि हाँ बॉस अपनी तैयारी सही चल रही है। कूल, अच्छा चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इन सारे कॉन्सेप्ट्स का करने वाले हैं खात्मा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू गाइज आर विद मी। अब वेटेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक एक सवाल तो आपको मिल ही रहा है। ये मैं नहीं बोल रही, ये 64 पेपर्स का एनालिसिस बोल रहा है, जो हमने 2020 से लेकर 2022 तक के पेपर्स को एनालाइज किया है जेईई मेंस के, राइट? एंड दिस कम्स अंडर वन ऑफ द ईजी किल टॉपिक्स। चलिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ये सारे चैप्टर्स डेड हो चुके हैं, मतलब हम कर चुके हैं, तो आप जाके रिवाइज करो, इनकी वर्कशीट्स प्रैक्टिस करो, इसके और सवाल लगाओ वही tinyurl.com/JEE with Neha मैम के साथ। ऑल्सो आगे का शेड्यूल देख लो यार, ये आज हो जाएगा, अगले 3 चैप्टर्स, एंड इसी तरह एज यू गाइज हैव सजेस्टेड हम हर ऑल्टरनेट उसमें करते जाएंगे टॉपिक्स। चलिए ऑन दैट नोट, पहले तो यार जितने बच्चे पहुंच गए हैं एक बार लाइक शाइक मार दो, ठीक है एवरीबडी, एक लाइक वाइक मार दो यार, एंड वी शुल गो अहेड, लेट द मैजिक बिगिन, कर देते हैं। वीडियो क्वालिटी क्या दिक्कत है सर? वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक बार रीएडजस्ट कर देते हैं, ये लो एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से तो। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं, आखिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये आइडिया हम सबको है कि यार जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके ले रहे हैं ऑफ दिस फॉर्म, जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि आपका a नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अगर तुमने यार x square वाले कोफिशियंट को ही जीरो कर डाला तो फिर तो वो लीनियर बन जाएगा ना, राइट? ठीक है, एंड इसके ऑब्वियसली जितने जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है उतने रूट्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली इसके भी 2 रूट्स होते हैं। हाँ, अब वो ऑफ कोर्स रियल भी हो सकते हैं, एंड अब क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जानते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे, करेक्ट। अब इन रूट्स को कैसे निकालते हैं, ऑफकोर्स एक तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड होता है, वो आई गेस जनता को पता ही है। उसके साथ साथ इनफैक्ट मैंने एक बहुत क्रेजी सा शॉर्टकट भी निकाला था आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, सिखाऊंगी एज वी प्रोसीड, एंड उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। वरना आपका जो जनरल मेथड है वो क्या होता है, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं, करेक्ट। इस तरह से आप निकालते हो ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है जी। चलिए ऑन दैट नोट आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने कहा, अगर रूट्स को हम लोग मान ले यार ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस कंसिडर द रूट्स एज अल्फा एंड बीटा, तो ऐसे केस में आपका अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाता है, माइनस बी अपॉन ए। अब समझो, अगर मैं आपको यू नो
आज तक हम इसको सिर्फ ऐसे ही लेते आए, लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं नेहा मैम आखिर ये आता कहाँ से है, ठीक है, तो एक हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं। अगर आपने यार रूट्स को ऐसे ले लिया है, ठीक है, यही लेते हो ना आप, एंड दूसरे रूट को ऐसे ले लिया है। अब मैंने आपसे पूछा सम ऑफ रूट्स क्या है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऑब्वियसली आर डी करोगे और क्या करोगे, तो रूट डी और माइनस रूट डी अपॉन टू ए तो कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस टू बी अपॉन टू ए, समझे, समझ रहे हो ना। तो जब आपकी ये वाली इक्वेशन है तो आपके रूट्स इस तरह से निकलते हैं। तो मैं आपको हल्का हल्का ऑब्वियसली बैकग्राउंड भी साथ देती हुई चलूंगी, करेक्ट, ओके। एंड अगर इसी के साथ साथ हम बोले कि नहीं जी प्रोडक्ट भी निकालिए, तो हम क्या करेंगे, आपस में इन दोनों का जब प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल रियलाइज इवेंचुअली कि बाकी सारा कुछ कट कटा के आपके पास सी बाय ए बच जाता है। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट, राइट, क्योंकि डी भी तो आपका क्या होता है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर आप सोच रहे हो कि वो डी वो सी कहाँ से आएगा, ये चीज समझ में आई। एनी वे इट्स नॉट कि आपको डेरिवेशन करनी है इसकी, इट इज अबाउट अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सम ऑफ फ्रूट्स क्लियर है। ऑल्सो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यू कैन ऑलवेज, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू कैन ऑलवेज राइट इट एज ए टाइम्स, वेयर ए इज ऑब्वियसली अ कॉन्स्टेंट, एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट मान के हम चल रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और अगर ए तुम्हारा वन हो जाए तब तो ये फैक्टर यार ऐसे ही टूट फूट जाते हैं, करेक्ट, यस, ये चीज सबको चमक रही है, ब्रिलियंट। अब कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज हैं जो अपनी सॉल्यूशंस में काम आती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नथिंग। ये मुझे जरा कमेंट करके बताओ ये कौन सी क्लास में पढ़ी थी तुमने, एट्थ नाइन्थ में, यस, कौन सी क्लास में पढ़ी थी ये आइडेंटिटीज बता दो जरा। एक्चुअली क्या है ना, आपके पास देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता होता है, अल्फा बीटा पता होता है, कई बार वो सवाल में जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये चीज वी विल रियलाइज, कई बार सवाल में वो पूछते हैं कि अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, आपको ना घुमा फिरा के, अरे अरे बच्चे तो कह रहे हैं मैम हमने तो सेवेंथ में ही पढ़ लिया, चलो जो भी है, इन शॉर्ट नॉर्मली इस क्लास में एट्थ अगर हम लगा ले एवरेज तो पढ़ लेते हो आप। अब आपको क्या करना होता है ना, हर कुछ आपको इसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी नई बात नहीं है। एक मिनट तुम्हारी चैट्स ना जरा मैं, ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। उसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मैंने ये इसलिए डाल दिया ताकि जब तुम लोग को पीडीएफ मिले ना, यू गाइस कैन रिकॉल फ्रॉम हियर आल्सो। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप सब कुछ देखोगे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के ही टर्म्स में आ रहा है बेटा। कई बार क्या है, आपको पूछ लेंगे व्हाट इज द वैल्यू फॉर वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, या ये पूछ लेंगे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे यार, आप एलसीएम लोगे, करेक्ट, यहाँ पे अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को झटपट इस तरह से लिख लोगे। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि सब कुछ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बीच में ही डाल देना है, करेक्ट, वेरी नाइस। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अगर आपको एक्सप्रेस करना हो, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू रूट्स, ठीक है, जो अपना अगला टॉपिक भी है जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, एक्चुअली आप वो ये निकाल सकते हो, सो आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो कैसे। पर अगर आपको जैसे डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है तो आप फिर से प्रोडक्ट, आई मीन सम एंड प्रोडक्ट में इसको देखो ना यार, ओपन करके क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा। अब ऑब्वियसली यहाँ से माइनस टू अल्फा बीटा बनेगा जो यही आ जाएगा, करेक्टो है ना। एन अल्फा रेज टू पावर फोर प्लस बीटा रेज टू पावर फोर कोई पूछ ले तो आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब अगेन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता दी नेहा मैम ने, आप इसको देखो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको लगे नहीं नेहा मैम आप क्या ही बोले जा रहे हो, यू कैन ऑलवेज डू इट दिस वे, आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह आप कंसिडर करो, क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, अभी हमने सीखा ना, करेक्ट। एंड इसके अंदर एक बार फिर से वही कमाल दिखा दो तुम जो अभी दिखाया है,
ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस से वही किया, बस यही आया, इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, कोई कुछ नया नहीं किया। बट वाई एम आई डूइंग दिस, कई बार बच्चे सोचते पता नहीं कौन सा हाई फाई फॉर्मूला लगा के मैडम जी निकल ली हैं, समझ रहे हो ना, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो समझ में आ रहा है यार, तो एक हार्ट बना दो इन द चैट, क्योंकि आपके लिए क्या हो रहा है इस वक्त, हार्ट वर्क यानी कि दिल से किया हुआ हार्ड वर्क, करेक्ट। चलिए ओके, अब ये वाला जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अब मेरा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, ये सब आ गया बेटा, करेक्ट, ये सब आ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, ये सी बाय होता है। अब जरा यहाँ पे आप एलसीएम लेके देखना बेटा जी, यही आया, ये आपने होल स्क्वायर लिया था। अब आप मॉड लगाओगे, अब आप सोचोगे नेहा मैम हम मॉड किस लिए लगाएंगे, भैया तुमको कौन सा पता है कि अल्फा रूट बड़ा होगा या बीटा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, वो तो क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे लोगे, ऐसे लोगे ना जो बड़ा होगा, इसलिए मॉड लगा दिया। एंड ये क्या है, ये डी है, तो बेसिकली डी बाय ए स्क्वायर जो करके हाँ मॉड आ जाएगा। फिर से मॉड क्यों लगाया भैया, मुझे नहीं पता ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सेफ खेले हम। मेरे को यार यहाँ पे लाइक नहीं बढ़ते हुए दिख रहे, गलत बात हो रही है। और बाय द वे एज पर द शेड्यूल आपका परसों के लिए लिमिट्स का भी सेशन हो चुका है ऑलरेडी रेडी, समझ रहे हो, वो भी रिलीज कर दिया गया है। सो आई एम गोइंग एज पर माई शेड्यूल, तुम साथ साथ जुड़ते जाओ, करेक्ट। आइए तो पहले एक छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड। एंड इस सीरीज में ना यार हम सिर्फ पुराने क्वेश्चन नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ आपके 2022 के मैक्सिमम क्वेश्चंस इंक्लूड करें, एंड जो भी रह जाता है वो आप वर्कशीट के थ्रू पूरा कर सकते हो, टाइनी URL के थ्रू पूरा कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। तो हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि 3 महीने में आपके कोर्स को मैक्सिमम कवर करना ही करना है, करेक्ट, हो सके तो पूरा ही कर देना है। चलो इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब खुद से देखो इसको, ध्यान से आराम आराम से करेंगे। अरे टीशर्ट से याद आया यार, हम लोग ना नेक्स्ट सेशन यानी आपका जो लिमिट्स का उसमें गिव अवे करने का सोचे, जिसके अंदर मैं देने वाली हूँ मैथमेटिकली इंक्लाइंड नेहा मैम आर्मी मग, कैसे उसके लिए जुड़े रहो, बताऊंगी क्या करना होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स लेते हो, जो जाएगा माइनस बी बाय ए विच इज 64 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 256, ठीक है जी। इसको थोड़ी देर शांत रहने दें, इसको बोलो थोड़ी साइड में रहे यार थोड़ी देर। चलो यहाँ आ जाओ, अब इसको मैं ध्यान से देखूं, मैं सिर्फ ये ओपन कर रही हूँ, ठीक है। नाउ कैन आई टेक दी एलसीएम, एलसीएम लेना तो यार अपना अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार, राइट, इट्स आर बर्थ राइट। तो क्या है, मैंने ऐसे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे देखो अल्फा 3/8 इंटू अल्फा 5/8, तो अल्फा 8/8 यानी ऊपर अल्फा, बताओ इससे हल्का सवाल बना सकते थे वो, यानी कब का क्वेश्चन है नेहा मैम आपने अभी अभी बनाया, न ये कैसा बेटा, ये कैसा मिलन हुआ है, ये क्या हुआ है, ये कौन सा, ये 6 सितंबर को कौन सा पेपर हुआ है, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। अगर तुम्हें याद है यार PYQ कौन सा ईयर का है जरा लिख दो, ये 2022 का नहीं, मेरे ख्याल से 2021 26 सितंबर या कुछ ऐसा है, तो कुछ गड़बड़ हो गई है, पर तुम्हारे लिए तो PYQ ही है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 64 आ रहा है एंड दिस इज 256। अब 256 हम सबको पता है, हम 2^8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। मिल गया सबको आंसर, 2021 का होगा, हाँ वो देख लेना यार, मैं इसको जरा करेक्ट करके डालती हूँ आपका PDF, कुछ तो गड़बड़ हो गई है बेटा, गड़बड़, चलो कोई ना। अनदर क्वेश्चन यार, हाँ 2020 का है, चलो ठीक है, अच्छा 2020 का बच्चे कह रहे, चलो ठीक है, जो भी है तुम्हारे लिए तो जेई मेंस का PYQ है। अब आ जाओ यहाँ पे, कम ऑन कम ऑन, लेट f(x) बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलिनो पॉल, या ऐसा नहीं लग रहा कोई बायो की टर्म दे दियो, पॉलिनोपॉमियल, ओके
लेट एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोपोमियल सच दैट ये चीज दे रखी है वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज थ्री, तो उसके अदर रूट का पता लगाओ दया कि वो कौन से इंटरवल में लाइक कर रहा है. तो बता दो फिर, पता लगाओ जरा कैसे करने वाले हो. कमॉन 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 एवरीबडी, थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा होश. तो देखो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलीपोनियल जो भी है वो तो दिख नहीं रहा है, बट ये दिख रहा है कि यार मैं कुछ अज्यूम कर सकती हूँ इसको. ऐसे कर लेते हैं अज्यूम फिर, ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हक है अपना. चलिए ऐसे कर लिया. नाउ आई हैव बीन गिवन सर्टन थिंग्स, एक बड़े काम की चीज़ गई है. भाई साहब आप इधर आएंगे. हाँ, एफ ऑफ एक्स इज जीरो यानी एफ ऑफ थ्री इज जीरो, वो एक रूट है. तो एक चीज़ मुझे पता है कि एफ ऑफ थ्री मेरा जीरो है, तो वो मुझे क्या दे देगा, यहाँ डालो वैल्यू, सो दैट विल बी 9a प्लस 3b प्लस c इज जीरो. चलिए एक चीज़ मिल गई है अपने को. नेक्स्ट इज एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 2 इज जीरो. ओके, तो एफ ऑफ माइनस 1 क्या आ रहा है, a माइनस b प्लस c. एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है, दिस इज 4a प्लस 2b प्लस c. ठीक है, इनका इनका मिश्रण कर दें तो क्या आ जाएगा, दिस इज 5a प्लस b प्लस 2c इज जीरो. अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं अपने पास. क्या कोई और भी काम की चीज़ आई है या यही दोनों घूम रहे हैं अपने पास आके. अगर इक्वेशंस हैं दो एंड अननोन्स हैं तीन, बहुत ना इंसाफी है. कैसे सॉल्व करें इसे, इक्वेशंस हैं दो एंड वेरिएबल्स है तीन, बहुत ना इंसाफी है. लेकिन आपने कक्षा दसवीं में यानी कि इन क्लास टेंथ यू गाइज डिड डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. आहा, मजा ही आ जाएगा. याद है ये, उसी से निकाल लो. तो क्या है ना, आप पहले इसको हाइड करते हो, तो मैं एक बार ही दिखा देती हूँ. अगर आपके पास इस तरह दो इक्वेशंस होती हैं 5a प्लस बी प्लस 2c इज जीरो, तो आप पहले क्या करते हो, ए वाले को हाइड कर लेते हो, सो दिस इज 6 माइनस 1, सो दिस इज 5. अब बी वाले को हाइड करते हो, सो 18 माइनस 5 विच इज 13, एंड सी वाले को हाइड करते हो तो अरे 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 ये 9 का 19 कैसे हो गया बच्चा. ओके, सी को हाइड कर दे तो 9 माइनस 15 तो जो हो जाएगा माइनस 6. करेक्ट हो, यस, आहा, वेरी नाइस बच्चा. सो यानी एक तरीके से आपका ए बी सी अगर तुम ध्यान से देख लो, क्योंकि इज इक्वल टू के होगा, फिर उसके बाद तुम के को बोलोगे नॉन जीरो है, तो मतलब इसके अंदर डालोगे, वो सब अगड़म बगड़म तमाशा करोगे, तो तुम्हारी इक्वेशन तुम डायरेक्टली लिख लो यार. क्या हो जाएगी, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस माइनस 6. अगर तुमको भी ये चीज़ मिल गई है तो एक बारी स्माइली हो जाए इन द चैट सेक्शन. अभी आंसर नहीं निकला लेकिन खुशी तो मिल गई है हमें. आंसर निकले ना निकले, हमें खुशी तो मिल गई है कि अपनी एक इक्वेशन आ गई है बेटा. अब हम क्या करें, क्या मैं अब इसको सॉल्व करूँ, नॉट रियली बच्चा. क्या है ना, यहाँ पे आपको एक रूट दे रखा है, तो आपको ये पता है दूसरा रूट, लेट से अल्फा अज्यूम कर लो, तो 3 प्लस अल्फा आपका 13 बाय 5 आ रहा है, तो आप अल्फा निकाल लो बस, इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ मैं. माइनस 3 तो माइनस 2 बाय 5 आ जाएगा. कौन से इंटरवल में आएगा ये, कौन से इंटरवल में आएगा ये, बिल्कुल सही, माइनस 1 से 0. अरे शाबाश बच्चा, खुश खुश किया तुमने, वेरी नाइस, सुपर्ब. आप प्रोडक्ट से भी ले सकते थे, ऐसा मेरा कोई खास प्यार नहीं है मुझे सम ऑफ फ्रूट्स से, आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को भी वैसे यूज कर सकते थे. चलिए अगर ये आंसर निकल गया है तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, वेरी नाइस सुपर्ब. चलो अनदर क्वेश्चन. तो यार इस देखो सीरीज का ना यही फॉर्मेट है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम अभी कर रहे हैं सीरीज में, तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन कर रही हूँ. जब आगे प्रैक्टिस करेंगे ना इन सेशंस की, तो फिर एक साथ क्वेश्चंस तुम्हें धूमधाड़ मिलेंगे. चलो आ जाओ. सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या, अरे बाबा, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो नेहा मैम ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई. अच्छा नेक्स्ट हम पूरा कैलकुलस कर लेना, मतलब मैंने सोचा है लिमिट्स करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव्स अलग से, फिर AOD, फिर
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाउ 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 अलग अलग सेशंस करेंगे, क्या कहते हो, कर ले? चलिए नाइस। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक वाली फील लाने के लिए दोस्तों हम इसको टी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6 टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 1 इज 0। तो बेटा एक चीज तो आपको समझ में आ रही है, आपको चाहिए सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। तो यहां से आपको पता है कि आपका टी क्या क्या आ सकता है, प्लस माइनस 2। भैया e रेस टू पावर x इक्वल टू 2 ही हो सकता है, माइनस 2 तुमने बोल भी दिया उसे गुस्सा आ जाएगा, बहुत ही खूंखार हो जाता है, वो झुकता नहीं है, वो नेगेटिव नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो रॉकेट की तरह उड़ता है ना। तो हम माइनस को रिजेक्ट कर देंगे। यहां पे आइए जरा इसको तोड़िए, जल्दी से तोड़ा दो बच्चों, जल्दी से तोड़वा दो ना। तो इसके अंदर ना एक आप क्या कर सकते हो, अब देखो 6 and 1 है, आपको पता है प्रोडक्ट वो चाहिए 6 ऑब्वियसली एंड सम जो है वो माइनस 2 चाहिए, ये तो पूरी दुनिया को पता है, इसमें कुछ नेहा मैम ने नया नहीं बताया। तो आप एक शॉर्टकट मेथड की ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो डाल दूंगी, जो मैंने आज से 3-4 साल पहले बनाया था, ठीक है। आप क्या करते हो, क्रिस क्रॉस टाइप मेथड है, उसके अंदर आप सीधा, जैसे अब 6 है ना, आप किस तरह से लिख सकते हो 6 को मुझे बताओ, आप 1 into 6 लिख सकते हो, आप 2 into 3 लिख सकते हो, आपको देखना है आपको क्या सूट करेगा इस क्वेश्चन में। ओके तो सपोज मैंने 1 और 6 लिखा है ना, एंड अब मैं यहाँ पे या तो आपके टी है, ये टी स्क्वायर है, करेक्ट, तो या तो मैं 6 और 1 भी कर सकती हूँ है ना। तो या तो मैं इसके फैक्टर्स तुम्हारे देखो 60 माइनस 1 टी माइनस 1 करके बनाऊंगी, बट इज इट हेल्पफुल, यहाँ पे मेरे को 60 स्क्वायर मिल रहा है, माइनस 60 माइनस टी ना, एक प्लस लेना पड़ेगा ऐसा, लेकिन सम भी फिर 5 आना चाहिए। यहाँ देखो ना 60 स्क्वायर ठीक है, माइनस 60 प्लस टी एंड माइनस 1, नहीं यार ये नहीं जम रहा अपना, तो मेरे को 2 और 3 की तरह ही तोड़ना पड़ेगा, 2 और 3 की जगह तोड़ना पड़ेगा। तो यानी इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, एक बार जरा चेक करो इसे है ना, उस हिसाब से आप इसका स्प्लिट करोगे, मतलब मैं कह रही हूं कुछ ऐसा करोगे। तो 3t अगर आपने कॉमन लिया, 2t माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, 2t माइनस 1 इज 0, यानी t या तो हाफ हो सकता है या 1/3 हो सकता है, समझ में आ रहा है, 3t माइनस 1 2t माइनस 1। कैन आई टेक बोथ ऑफ देम, ऑफ कोर्स बेटा ले सकते हो, दोनों ही एक्सपोनेंशियल के केस में वैलिड हैं। तो मेरे पास अपने रूट्स क्या क्या आ गए हैं, दिस ई रेस टू पावर एक्स इज हाफ, ई रेस टू पावर एक्स इज 1/3, पर आपसे तो सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मांगा है ना, आंसर लॉग में है, यानी वो तुमसे एक्स चाह रहे हैं आंसर। अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स लॉग 2, ये क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2, ठीक है ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1/3। अब बेटा सबको ऐड कर दीजिए एंड काटम काटी करके लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी, लॉग ए बाय बी क्या होता है सबको पता है ना, देखो आप बेसिकली ये करने वाले हो, लॉग ए बाय बी को आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग 1 माइनस लॉग 2, लॉग 1 माइनस लॉग 3, अरे लॉग 1 तो अंडा होता है बेटा जी, तो ये आपका सीधा ये दोनों भी कट गए हैं, तो माइनस लॉग 3 आंसर आ गया है, अमेजिंग सुपर माइंड ब्लोइंग, ठीक है हो चुका है कि नहीं। वेरी नाइस बच्चों, सुपर, मजा ही आ गया है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आर्यन के बर्थडे पे आया था, नहीं वो 5 सितंबर को बॉर्न हुआ था ना, तो टीचर्स डे भी हो सकता है। चलिए आइए, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज क्या। चलिए 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 बच्चों, लेट्स सी व्हाट इज द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग, और यार लाइक वाइक मारते जाओ, देखो गड़बड़ हो रही है ये। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम मैम इसमें तो बहुत सिंपल है और हम कैसे कर देंगे ऐड, इसमें
आप सीधा सोचो इसमें क्या आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूल, सबसे पहले तो देखो यहाँ मॉड बैठा है, इसलिए थोड़ा सा हटके है सवाल, ठीक है। अब आप सोचो मैं 2020 या 21 के क्वेश्चंस पहले ले रही हूँ, 22 के नहीं ले रहे, हाँ क्योंकि 22 के क्वेश्चंस थोड़े से आपके ज़्यादा ट्रिकी थे, है ना, तो धीरे धीरे उस लेवल पे आएंगे ना, करेक्ट। अच्छा बहुत सारे बच्चे भैया, अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा आंसर 5/9 है तो उफ़ बहुत बड़ी तगड़ी गड़बड़ है जो यहाँ पे बच्चे करते हैं। क्यों? अगर आपका सवाल होता 9x² - 18x + 5 = 0 तो आपका आंसर यही होता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। मतलब तुमने तो यार मॉड एक्स को कोई कोई वैल्यू नहीं समझी उसकी, रो रहा है यार बेचारा, वो इतनी नौटंकी मॉड एक्स रो रहा है यार, उसकी अपनी एक वैल्यू है, वो भैया प्लस माइनस लेता है दोनों, वो माइनस को भी उतनी खुशी से एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे कैसे तुमने इग्नोर मार दिया, बहुत गलत। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कटाई गलत है ये। तो सही क्या है, सबसे पहले यार मॉड एक्स को थोड़ा सा ना कुछ ऐसा लेट कर लो कि हमको कुछ नॉर्मल फीलिंग आए। तो यानी मैं एक्स स्क्वायर बोलूँ देखो या मॉड एक्स होल स्क्वायर बोलूँ, ये एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी है ना, ठीक है। तो 90² - 18t + 5 = 0। अब जरा ध्यान से देखिए जनाब, क्या करेंगे आप, अब आप इसको तोड़ दो थोड़ा सा। अच्छा कई बच्चे अब आंसर 25/9, तो जो जैसे कहते हैं ना आसमान से लटके खजूर के पेड़ में अट के, अभी समझो इसमें क्या है, आप इसकी तोड़ मरोड़ कर सकते हो, दो लीनियर फैक्टर्स बना सकते हो। क्या होगा, 80 आपको चाहिए, 9 × 5 45 भी चाहिए और एडिशन 18 भी चाहिए, समझ रहे हो कैसे तोड़ मरोड़ कर सकते हो। दिस कैन बी 339 ना, ऐसे देखें 90² + 5t, एक मिनट, प्लस फाइव, अरे -5 यहाँ पे होना चाहिए ना, -5 होना चाहिए, साथ छोड़ूंगा ना ते, 90² - 15t, हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो t इज 1/3 और 5/3। अब अगर तुम सोचो कि नेहा मैम प्रोडक्ट लेके तो 5/9 आया, अरे नहीं रे मॉड एक्स है ना तुम्हारे पास, बेटा मॉड एक्स इक्वल टू 1/3 क्या कहता है कि x इज ±1/3, तो एक्चुअली ये धोखा है, ये छलावा है, इसने तुम्हें ठग लिया। क्यों? क्योंकि इसके दो नहीं चार चार रूट्स निकल रहे हैं, समझो। अब ऐसे ही मॉड एक्स इक्वल टू 5/3 करोगे तो यार आपका एक्स तो ±5/3 लेगा, वो तो बेचारा मासूम है, वो तो प्लस माइनस दोनों का एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ यही तो बात है, अब बता दो फिर आंसर क्या आ रहा है, अगर अब इतना स्मार्ट हो गए हो बच्चे, आप प्रोडक्ट लीजिए ना आप, तो प्रोडक्ट में क्या होगा दोस्तों, देवियों और सज्जनों, इतनी सी बात है, छोटा सवाल है, 25/81 आया है। तो ये क्वेश्चन देखने में था हलवा, लेकिन दिखाया इसने जलवा, समझ गए या? यस अमेजिंग सुपर्ब। चलिए क्वेश्चन फूट गया है ए आंसर के साथ, आई होप हमको फीलिंग आ गई होगी, पोल करवा दूँ। अच्छा पहले जो ऊपर पोल लगा हुआ है यार उस पर भी पहले जवाब दे दो, फिर पोल भी करवाती हूँ। चलिए अगला सवाल लेके आ गए हैं हम लोग, चलिए लेट्स डू दिस वन। एक बच्चा कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चार रूट्स कैसे हो सकते हैं, मैंने बोला ना वो बहुरूपिया है, वो क्वाड्रेटिक के अंदर मॉड लगा के बैठा है, तो मॉड के तो प्लस माइनस केस लोगे ना, अगर आप मॉड हटाओगे तो एक प्लस एक्स वाला केस आएगा, एक माइनस एक्स वाला आएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं वो छलावा है, उसके दो केस हैं, समझो इस चीज को। ले डूबा ये कौन सा सॉन्ग है यार, मुझे थोड़ा सा बता दो, मैं गूगल शूगल कर लेती हूँ फिर गाने की कोशिश करूंगी। एनीवे अभी वापस आते हैं, लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके, देन वैल्यू ऑफ ये सब क्या होगा। देखो इसमें क्वाड्रेटिक जैसी तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है अभी तक, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है, तो क्या हम इसमें क्वाड्रेटिक की फील ले सकते हैं कहीं से? सोचो कि झीलों का शहर हो, मतलब इसको तो तोड़ ही सकते हो ना तुम, कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे x² + x + 1
एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यस और नो? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है आप ऐसे लिखो, आप देखो एक फील लो इसको, ये ए है ये बी है, लेट्स से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ये चीज़ है ना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये बच्चों को ना अज्यूम नहीं कुछ भी करके चलना, बताना है साथ साथ। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, फील आ गया, फील, यू गॉट इट? हाँ जी, चलिए अब कितने प्रतिशत भारतीय इस चीज को समझते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अगर जीरो हो जाए तो उसके रूट्स क्या होते हैं, एक बार ना स्पैम कर दो चैट सेक्शन में, अगर ये जीरो हो जाए तो यानी रूट्स क्या है, जल्दी जल्दी मुझे सुनना है इसका जवाब, आई एम डाइंग टू लिसन टू द आंसर। आए हाय क्या बात है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरे साथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कल जाके देख लेना वीडियो, इसके साथ यार प्लस या इसके साथ आपका आएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना, करेक्ट। एंड यार एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर अभी तक नहीं पता, अगर इसी को मैं नेगेटिव के साथ ले लूं तो इसके रूट्स क्या आ जाते हैं आपके, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, करेक्ट, वेरी नाइस, सुपर बच्चों, मजा आ रहा है मुझे। तो यानी अब मैं इसके अंदर ठूसूं अगर तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने एक्स को ओमेगा ले लिया, ठीक है, मतलब अल्फा को ओमेगा ले लिया, लेट्स से तो ओमेगा 1011, ओमेगा 2022 एंड ओमेगा 3033, एंड एक चीज हमने पढ़ी थी आपके लास्ट उसमें कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो नेहा मैम अब मैं सारा कुछ सॉल्व करूं, नहीं यार आप देख लो ना, 111 इनको ऐड किया तो ये क्या है, आपने जैसे इसको ऐड किया तो ये तो यार सम इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये पूरा इज डिविजिबल बाय 3, तो इसको तो 1 कर दो, ऐसे ही 222 ये भी 1 क्योंकि इट इज डिविजिबल, अब 3 टाइम्स k भी तो आपका 1 ही होगा ना, है ना, एंड ये भी वही, आए हाय क्या बात। सो 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड यहां पे आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा बता दो फिर, ऐसा हल्का हल्का फुल्का सा सवाल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बिल्कुल सही कहा आपने जिष्णुदीप, बिल्कुल ठीक, नहीं पढ़ा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वीडियो जाके देख लेना, उसको मैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, ये है ना। तो क्या हो गया यार, ये तो ओहो ये सबसे मुश्किल चीज आ गई भाई साहब, करो जरा 1 + 1 - 1 हो गया, केसरिया तेरा इश्क है प्यार रंग जाऊं जो मैं, काम कर ले गाने गा रहे हो, चलो आओ क्वेश्चन 6। इफ द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस इज 15, देन ये क्या होगा। अच्छा दे क्या रखा है मुझे, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स, जिंदगी से कुछ ज्यादा ही नहीं मांग लिया, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेसिप्रोकल, तो यानी अगर रूट्स को मैं मान लू अल्फा एंड बीटा, मान क्या लू दिया ही है, तो आपको ये दे रखा है, पहले आपने रेसिप्रोकल लिया एंड देन यू स्क्वेयर्ड ईच ऑफ देम एंड देन यू समड इट अप। अच्छा वैसे हमें नॉर्मल भाषा में ये भी तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस लैम्डा बाय 3 होगा एंड अल्फा बीटा ये सारा मटेरियल हमारे पास, ये सामग्री है रेडी, आइए दोस्तों खाना बनाएं, ये सारी सामग्री हमारे पास है, तो आइए दोस्तों कौन सी डिश बनाएं हम इसके साथ, वी हैव टू फिगर दिस आउट। अरे बाप रे कैसे करूं मैं इसको, याद है इसी दिन के लिए पाल पोस्ट के तुम्हें बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बताया था, ताकि तुम एक दिन नाम रोशन करो नेहा मैम का, ठीक है।
इतना तामझाम की जगह पहले हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ही ले लेते हैं। क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? हाँ कि ना, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या है बेटा जी? दिस इज लैम्डा स्क्वायर बाय, अरे क्यूब मांगा था, लैम्डा क्यूब बाय 27 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव के साथ। मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। अच्छा अब क्या करूं मैं? अच्छा काटूं इसको, ओके। माइनस लैम्डा क्यूब बाय 27 एंड यहाँ माइनस लैम्डा बाय 3, यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी लैम्डा पे दे दी गई है। लैम्डा कैसे फाइंड करूँ यार? इन दोनों को तो फाइंड किया, अभी तक इसको नहीं यूज़ किया, तो आओ इसको किस लिए वेट कर रहे हैं? दिस इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। बेटा इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया था ना वो, है ना? यस yes? मम्मी पापा बोलते हैं ना, बस बेटा इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, इसी दिन के लिए क्या तुम्हें पाल पोस कर वो वाली रिलेशन समझाई थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दोस्तों, माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। चलो आओ लिखो 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 जल्दी से, देखो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा तो जी यहाँ लैम्डा स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा, माइनस टू अल्फा बीटा आप ठूस दो इसके अंदर, प्लस टू बाय 3 आ जाएगा, फिर अल्फा बीटा माइनस 1 बाय 3, अच्छा आपने स्क्वायर किया, प्लस 1 बाय 9 आ जाएगा। एंड ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई साहब? 15। तो यहाँ से आप लोग यार लैम्डा की वैल्यू खुशी खुशी निकाल लेना और उसी लैम्डा की वैल्यू को इसके अंदर डाल के इसका होल स्क्वायर परोस देना, ठीक है? तो अब मेरे को पहले बता दो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बता दो जरा क्या आ जाएगी, आप इसमें एलसीएम वगैरह लोगे तो। कैन आई लीव दिस बिट टू यू? कई बच्चे 3 कह रहे हैं, तो ये चीज चेक कर लो यार, लैम्डा की वैल्यू क्या वाकई में 3 आ रही है, चेक कर लो। अगर आ रही है तो फिर डाल दो इसके अंदर, इसके अंदर डालो और होल स्क्वायर करके निकालो, ठीक है? तो यहाँ तो जैसे इन्होंने लैम्डा स्क्वायर 9 लिया है, एनीवे आप डालो चीज़ों को, उठा के निकालो, 24 आंसर आ जाएगा जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है जी, आई वॉन्ट टू सी 500 लाइक्स, जल्दी जल्दी। अच्छा अगर माइनस 3 भी डाल रहे हो तो यार फिर वो चीज़ आप एक बार देख लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑप्शन के साथ भी मैच करना है, ठीक? आइए दोस्तों अगला सवाल चलते हैं, करते हैं। देखो कितना सिमिलर सवाल है, अभी 2020 का ऐसा सवाल करा था, अब 2022 में रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 2020 से 22 तक के सवाल तो छोड़ने ही नहीं है। ये जो 64 पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, इसमें तुम्हें अपने आप रेपिटेशन और वो वाले ट्रेंड दिखेंगे, है ना? चलो अब लेट एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सच दैट, ये दे रखा है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 इज -1 देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 इज इक्वल टू क्या? कम ऑन कैसे करें इसको? यानी कि एक बारी फिर से आप अज्यूम कर सकते हो। अच्छा एक उसने कहा है कि वन ऑफ द रूट्स इज -1, ओके, एंड सम ऑफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 इज इक्वल टू क्या? देखो एक चीज तो तुम्हारी ये है कि आप एफ ऑफ एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर सकते हो, बट क्या कोई और इंटरेस्टिंग मेथड भी हो सकता है? सोच सकते हो, जैसे कि मैं अगर ऐसे बोल दूं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू ए टाइम्स, उसने बोला कि वन ऑफ द रूट्स इज -1, ये मान लो आप, इसमें क्या होगा? सिर्फ दो ही चीजें आपने फाइंड करनी है। अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हो फिर आपने 3 फाइंड करनी होती है। सो यू कैन ऑलवेज राइट इट दिस वे इफ यू गाइज वॉन्ट, है ना? अब क्या है, मेरे को क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ दिस इज रूट, ये तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है, एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इज 0, सो एफ ऑफ -2 -2 प्लस 1 -2 माइनस अल्फा
एंड एफ ऑफ थ्री, थ्री प्लस वन, थ्री माइनस अल्फा. ठीक है जी, इनको जरा ऐड किया जाए, इनको ऐड, एक्स प्लस वन को फैक्टर ले ले. हाँ जी ले लिया सर, ले लिया. ठीक है, एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, देखो अब आपको सम ऑफ रूट्स अगर लेना है ना, इसको मैं जरा हल्का सा ओपन करके दिखा रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए चीज. दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा एक्स प्लस वो माइनस अल्फा ऐसा है अगर कुछ, ए एक्स स्क्वायर. ठीक है, हाय मैम. हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? गुड मैम, गुड. हाँ अच्छा ओके. तो इसके अंदर क्या है, आपका जो सम था वो क्या है, इसका नेगेटिव लोगे ना, ए अल्फा माइनस वन अपॉन ए. तो आप देख रहे हो ना, अल्फा माइनस वन बेसिकली आपने फाइंड करना है, करेक्ट? एवरीबडी नाउ ये चीज समझ पा रहे हो, सम ऑफ रूट्स. अगर ये कंफ्यूज करता है आपको, लेट्स से मेथड, और आप चाहते हो कि नहीं नेहा मैम आप ऐसे ही बताओ जैसे पहले बताया था, लो एक बार ये भी देख लेते हैं. लेकिन आप याद रखो कि आपने इस बार माइनस बी बाय ए निकालना है, कोई अलग अलग से ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है. तो इफ यू आर सेइंग एफ ऑफ माइनस वन जीरो है, यानी कि यहाँ से देख लो, ए माइनस बी प्लस सी जीरो. ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई है, बाकी एफ ऑफ माइनस टू मैं बोलूंगी तो दिस इज गोइंग टू बी 4a माइनस बी प्लस सी. एफ ऑफ थ्री बोलूंगी तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 9a प्लस 3b प्लस सी. अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी एडिशन इसका जीरो दे रखा है, सो व्हाट विल आई गेट यहाँ से, 13a प्लस 2b प्लस 2c जीरो. एक बार फिर वही सिचुएशन आ गई है जहां पे आप ए बी सी निकालोगे, करेक्ट? और अल्टीमेटली तुम्हें क्या चाहिए, रेशियो माइनस बी बाय ए. तो यार तुम सी को जाने दो भाड़ में, समझ रहे हो? बेसिकली क्या है, अगर आप खाली इतना सी को इग्नोर भी कर दो थोड़ी देर के लिए, सो इफ यू हाइड ए, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, माइनस टू माइनस टू, सो माइनस फोर. एंड इफ यू हाइड बी, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, टू माइनस 13, तो माइनस 11. फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट, ये बस ये देख लो कि ये ठीक लिया है ना सब. 3 3 9 प्लस 3b, हाँ एफ ऑफ 3 है ना, और यहाँ पे माइनस होने के कारण, अच्छा माइनस 2 था, इश ये देखो यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया ना a, और तुम लोग भी नहीं बता रहे. अरे बताते तो सही दोस्तों, यहाँ देखो ना, यहाँ x की जगह माइनस 2 है बेटा, कितनी गंदी बात करी हमने. एफ ऑफ माइनस टू है, मैं क्यों माइनस वन ले लेके बैठ रही हूँ. तो ये आ जाएगा क्या, अच्छा ये तो सही किया था, अरे वो तो अलग था, ओहो सही था, सब सही था, सही था, सही था. हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब आप इसको निकालोगे, रेशियो आपने निकालना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 13a प्लस 2b, उसको ही मैंने मिटा डाला, बताओ ये सही था एकदम यार. एफ ऑफ माइनस वन तो मैंने इस हिसाब से जीरो लिया था, ओहो ये तो गंदी बात कर दी थी हमने. चलिए एक बार इसको क्विकली से सॉल्व कर लेते हैं, ये था, ए के लिए ए को हाइड करके माइनस टू माइनस टू, तो माइनस फोर आ जाता है, और बी के लिए बी को हाइड करके टू माइनस 13 माइनस 11 आ जाता है. तो अगर आप यहाँ पे माइनस बी बाय ए का रेशियो देख लो, तो देख लो क्या आ रहा है, ए के साथ 11 आ रहा है, 4 आ रहा है, माइनस 11 बाय 4, अरे ये तो कुछ गड़बड़ है. दूसरा रूट फोर, प्लीज करेक्ट माइनस टू, प्लीज करेक्ट माइनस टू, माइनस टू में क्या कर दिया, आए ओहो इस चक्कर में वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, सॉरी बेटा सॉरी जी. हाँ ये था, हाँ वही मुझे लग रहा था, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा. चलिए कोई बात नहीं, अब दोबारा से कर लेते हैं. सो ए को हाइड करूं तो माइनस टू माइनस वन, ठीक है, सो दिस इज माइनस 3, एंड बी को हाइड करूं तो टू माइनस
टू माइनस 13 आ रहा है यार, ये बी को हाइड करके 13a + b + 2c, हाँ सही है, बी को हाइड किया तो 2 - 13 11/3 आ रहा है, 11/3 आ रहा है ना, हाँ ये डायरेक्ट आ गया, देखो -b/a टर्न्स आउट टू बी 11/3 एंड ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें वक्त सिर्फ इतना इसलिए लग गया क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से -2 मिस कर दिया था, आंसर आ चुका है। आई थिंक यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन दे रखा है वो दूसरे मेथड से दे रखा है, मतलब कि ऐसे एफ ऑफ एक्स को आपने इस तरह से मान के एंड फिर कुछ कुछ करके वैल्यू निकाली आपने एंड देन यू गॉट टू द आंसर, द चॉइस इज योर्स। मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वैसे सिंपल है, अगर ये गड़बड़ ना होती तो ये काफ़ी आसान ही था, बट कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, अब हो ही जाती हैं तो माफ़ कर दो यार। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो आगे एंड चेक दिस आउट। चलो बच्चा, कम ऑन माय आर्मी, इसको देख लेते हैं। लेट ए बी सी बी सच दैट, 2022 का सवाल है। इक्वेशन देखो, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बेसिक सा पढ़ा है, अभी मैं आगे तो बढ़ी ही नहीं और उसी पे हम कितने सारे पी वाई क्यूज निकालते जा रहे हो, राइट? ठीक है, सो इफ आई एम गिवन दिस क्वाड्रेटिक, इट हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे पता है यार, मैंने अभी रिपीटेड रूट्स या कॉमन रूट्स वाला आपको नहीं करवाया कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हम इसको लॉजिक से देखें, मतलब ज्यादा दुखी ना होते हुए सिर्फ लॉजिक से देखें यहाँ क्या चलेगा। मैं आई थिंक एक पोल लगा देती हूँ छोटा सा, सो गाइज इस पोल को ख़त्म करते हुए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्टार्ट अ पोल, ओके। सो क्वेश्चन 8 ज़रा पता लगाइए, ए है दोस्तों, बी सी या डी, बताइए। मुझे क्या बोला है, सच दैट इक्वेशन हैज़ अ रिपीटेड रूट अल्फा एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस ऑल्सो। रिपीटेड रूट एक अल्फा है उसके पास, यानी अल्फा अल्फा रूट है, अल्फा एंड अल्फा इसके रूट्स है पहली वाली के, ठीक है। सो यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूं, सम ऑफ रूट्स विल बी -2b/a, ठीक है, तो ये नेगेटिव लेने के चक्कर में अल्फा इज b बाय ए, करेक्ट। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, हाँ अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट लूँ तो अल्फा स्क्वायर इज 15/a, अच्छा अब देखो मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूँ एक बार तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज b² / a², यानी कि मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो 15/a इज इक्वल टू b² / a². अब a के नॉट बी जीरो, वरना ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, है ना जी। तो ठीक है जी, यानी कि मेरा b² आ चुका है 15 है, ये भी एक रिलेशन अपने पास आ चुका है, यस और नो, दिस इज सॉर्टेड बच्चों। चलो अब अगली इक्वेशन पे जाते हैं, उसने कहा अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अब एक रूट यानी अल्फा इसका भी रूट है, अच्छा भाई साहब अल्फा भाई साहब इसके भी रूट है, तो यानी यहाँ पे मुझे दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा विल बी -2b/a, तो ये 2b होगा एंड अल्फा बीटा इज 21, ओके। तो अब मैं इसमें क्या क्या ऐसा यूज करूं कि ये चीजें आसान बने, समझो इसे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर अल्फा इसका भी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पोल लगा हुआ है यार, वोट भी करते जाओ साथ साथ, वोटिंग भी तुम्हारी चेक कर रही हूं मैं। हाँ अल्फा इसका भी रूट है, ठीक है, तो थोड़ा सा रंग बदलते हैं हम, अल्फा इसका भी रूट है, यानी अल्फा स्क्वायर -2b/α + 21 इज 0। अब अल्फा की जगह अगर मैं b/a डाल दूँ तो डाल सकती हूँ भाई, बिल्कुल डाल सकती हूँ अल्फा की जगह, ध्यान से देखो b/a डाल दे तो सो दिस विल बी b² ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2ab² एंड यहाँ आ जाएगा +21a² इज 0, ठीक है।
अब मुझे ये भी पता है मैं इसको पूरा का पूरा ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं फायदा क्या होगा इस सबसे, ए एंड बी की वैल्यू आ गई तो अल्फा बीटा तो अपने पास अपने आप आ जाएगा, है ना। तो चलो फिर आ जाओ, बी स्क्वायर तुम्हारा 15 ए है ना, बी स्क्वायर तुम्हारा 15 ए है, ये तो फिर ए है ही, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो यार, दिस विल बी 15 ए, दिस इज माइनस 30 ए स्क्वायर एंड प्लस 21 ए स्क्वायर, सो माइनस 9 ए स्क्वायर इज ज़ीरो, ए यार ज़ीरो नहीं हो सकता, देखो उसने कसम खाई हुई है, ए 5/3 अगर आ गया है तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 इंटू 5/3 यानी कि बी स्क्वायर 25 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लो सबके सब, यही आ रहा है क्या, ठीक है, बी स्क्वायर 25 आ गया, ए 5/3 आ गया, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यार बहुत तगड़ा हो रहा हमें हो रहा है, क्योंकि अब यहां से देखो आप निकाल सकते हो अल्फा क्या है, या फिर आप यहां से देख लो अल्फा स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर विच इज 25 बाय ए स्क्वायर विच विल बी 25/9, कूल, तो अल्फा स्क्वायर आपका 9 है और बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, बीटा स्क्वायर भी निकाल लो क्या हो जाएगा, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो किसी भी एक में डाल के, मतलब ये अगर है तो यार बीटा तुम्हारा 21/अल्फा हो गया ना, मतलब बीटा स्क्वायर यहां से क्या हो गया 21/अल्फा स्क्वायर जो 9 है, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी इधर से निकाल लो, ठीक है, तो 21 × 21 3 × 3 ऐसा ऐसा कट के तुमको खुद दिख रहा है 49 आ गया, तो 49 और 9 58 हो गया। मैं देखूँ जनता क्या जवाब दे रही है हमें, लेट मी चेक योर पोल्स, बी ऑप्शन कितने बचा, हाँ मेजॉरिटी जनता बाय द वे बी ही दे रही है, नाइस। तो इसमें ऐसा कोई तो चीज़ नहीं थी ना कि यार जो मेरे को समझ नहीं आई, पता नहीं क्या ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया, है ना। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले फटाफट से बता दूं आप लोगों को कि अब जो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम ये खाली सेशन देख ले इनफ है, प्लीज सुन लो ध्यान से, आज का सेशन तो देख ही रहे हो, इसके बाद ये सब यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, इसके बाद यार अपने 2022 के जो एक्सक्लूसिव PYQ है, अगर वीडियो में नहीं दे वैसे तो क्लिक करोगे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज उसके नीचे से PDF निकाल लेना, एंड देन इसके साथ साथ 2021 के 2020 के जितने पुराने ऐसे सवाल भी लगा सकते हो वो भी करने ही करने हैं, एंड वर्कशीट प्रोवाइड होगी एट द एंड ऑफ दिस सेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी ज़रूर करना है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब अगले कॉन्सेप्ट से पहले अगले सवाल की तरफ, आई थिंक ये कुछ तो नंबरिंग में गड़बड़ हुई है, बट एनीवे एडवांस्ड का सवाल है, कम ऑन माय आर्मी, देखो दिल खोल के लाइक करना तो यार बनता है, सपोज ए एंड बी डिनोट, तो देखो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक एक ही पढ़ा है एंड हम आ गए एडवांस के सवाल पे भी, सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड सी एंड डी, तो ये ए एंड बी है, सी एंड डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अच्छा काफ़ी सिमिलर ही है देख रहे हो तुम, प्लस माइनस बस कुछ हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ क्या है, काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, एनीवे तो यार देखो बेसिक्स तो तुम कर दोगे कि यार ए प्लस बी तुम्हारा -20 है, ए बी तुम्हारा -20 है, 2020 का सवाल है ना तो 20 भरे पड़े हैं, सी प्लस डी आप लोगों का 20 है एंड देन सी डी आपका 20 है ना, तो ऑब्वियस क्वेश्चन इज इनको यूज कहाँ करें, नहीं हम यूज़ करने का तो एक ही तरीका है ना कि तुम लोगों को अरे यार मैं इस पोल को ख़त्म कर दूं एंड अगले वाले का जवाब दो ज़रा, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, आप इसको ओपन करके देख लो कि ये कैसे, देखो अल्टीमेटली इसको मैं कैद कर देती हूँ, अल्टीमेटली मुझे इन्हीं को यूज़ करना है, सो लेट मी डू वन थिंग कि मैं इनको ज़रा ओपन करके देखती हूँ,
मैं भी तो देखूं आखिर ये क्या क्या करने के केपेबल हैं। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है। अब मेरे को कुछ तो पेयरिंग करनी पड़ेगी ना अलग से, खाली इसके साथ तो बात नहीं बनती, कुछ तो अनोखा सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं ए स्क्वायर वाले टर्म्स को कॉमन ले लेती हूँ, सो आई विल बी लेफ्ट विद सी प्लस डी। अच्छा, अब इसी तरह से मैं बी स्क्वायर वाली टर्म्स ले लूँ, है मैं बी स्क्वायर वाली ले लूँ टर्म्स तो क्या होगा? साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। अब सी स्क्वायर वाली भी लेके देखें क्या? यस और नो? तो वो तो आपकी देखो श्रद्धा है, आप कैसे लेना चाहते हो। अगर मैं सी स्क्वायर वाली टर्म्स लेती हूँ, अरे 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 भाई साहब, ये देख रहे हो तुम, मैं तेरा बन जाऊंगा। डी स्क्वायर वाली भी ले लो। डी स्क्वायर वाले में यार एक गड़बड़ हो रही है। अच्छा नहीं हो रही, यही तो दोनों बची हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, करेक्ट, आपकी मर्जी है। इफ यू गाइस फील किसी और तरीके से आप करना चाहते हो, अल्टीमेट गोल क्या है कि इसको किसी तरह यूज करके मैंने आंसर निकालना है। फर्स्ट अटेम्प्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? देखो आपने देखा होगा इस चैनल पे ऐसे कोई एक्सपेक्टेड डेट वाली वीडियो नहीं बनी, ठीक है। वो मैंने सेशंस के बीच में ही आपको बोल दिया था कि ऑब्वियसली यार ये पूरी दुनिया को पता है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अगर वो सच्ची में वापस जाना चाहते हैं प्री कोविड एरा पे, तो यार वो फिर जनवरी आपका जनवरी सेकेंड वीक तक मुझे लगता है देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि सबको पता है ना यार इस बार तुम्हारे बोर्ड्स थोड़े से 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। अब 15 फेब से भी अब ज़रूरी नहीं बोर्ड के पेपर सीधा ही शुरू हो जाएंगे ना, वो पहले प्रैक्टिकल्स शुरू करेंगे एंड ऑल दैट। सो जान मिड में लगता है अगर सच्ची में वो उसी साइकिल पे वापस आ रहे हैं तो। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, फर्स्ट टू में से अगर सी प्लस डी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख दूंगी क्योंकि हमें अच्छा लगता है। यहाँ से अगर हम माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लें, बचेगा क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको भी हम इस तरह से वैल्यूज ठूस देंगे इसकी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना माइनस टू सी डी। आहा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड दोस्तों, वी वांट दिस। अब डाल दो सबकी रेलेवेंट वैल्यूज एंड आंसर निकाल दो। मैम प्लीज पोल, अच्छा पोल खोल भी करेंगे इसके बाद, पहले अभी आ जाओ, ठीक है। जिसको जितनी वैल्यू चाहिए दे डालो, यहाँ 20 दे दो, यहाँ पे 20 स्क्वायर दे दो, यहाँ पे डाल दो, मतलब सारी अब अपने पास नोन वैल्यू है, अब तो अपनी कैलकुलेशन का कमाल है, ठीक है। सो करो यार, तकलीफ तो होगी लेकिन आंसर भी फिर तभी निकलेगा, ठीक है। चले बड़े आगे, मिल गया अगला सवाल, मिल गया। चलिए आइए, क्या करें, कैलकुलस कब करेंगे? योग आई थिंक आपने शुरुआत में मैंने जो आपका शेयर किया है शेड्यूल वो आपने मिस कर दिया है, तो 12 अक्टूबर को आपका लिमिट्स हो रहा है। एक एक दिन के गैप पे हम ये सेशन कर रहे हैं, जो बच्चों की डिमांड थी कि हमें थोड़ा रिवाइज करने के लिए टाइम दीजिए, यहाँ होगा आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिएशन। फिर 16 अक्टूबर को हम करेंगे क्या, AOD, ऐसी फिर 18, 20, थोड़ा दिवाली के अराउंड थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम, लेकिन मैं सोचूं दिवाली के अराउंड हम अब गिव अवे करने वाली हूँ मैं। मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू आर कीन, जैसे हमने पहले भी किया था कि मैंने बच्चों से फ़ोन पे बात की थी डायरेक्ट लाइव, है ना, तो वो बताना इफ़ यू लाइक दैट आइडिया। चलिए, फॉर क्या कह रहा है वो, एक्स बिलोंगिंग टू आर नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो मॉड है तो आपको भी पता है कि केस होगा, नहीं नहीं वो ऑर्डर ऑर्डर वो वाला केस नहीं होगा, मतलब केसेस बनेंगे, है ना। तो आपको पता है, यू गाइस कैन स्प्लिट इट दिस वे,
चलो अब यहाँ पे देखो, अब या तो यार ये मॉड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसी बात कर दी, मतलब या तो ये चीज पॉजिटिव है तुम्हारी, दिस इज माई केस वन लेट्स से, तो फिर वेवी कर्व मेथड से क्या होगा, ये आपका यानी एक्सट्रीम वाले इंटरवल्स ले रहे हैं ये वाले, ठीक है जी, पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, मतलब एक्चुअली मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे प्रॉपरली बस ऐसे ही लिख देना चाहिए था, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 3x² - 4x² विच इज -x² प्लस एक्स, यहां पे मिल रहा है मुझे +4 - 1, करेक्ट, हाँ जी, x² - x - 3 = 0, ठीक है, तो यहाँ क्या रूट आ रहे हैं, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, सही है, अरे -6 आ रहा है, इसके कहीं वो तो नहीं हो रहा है इसके साथ, डिस्क्रिमिनेंट देखूं एक बार, b² - 4ac, अरे अच्छे रूट्स नहीं बन रहे इसके, रूट छूट का चक्कर पड़ रहा है बेटा इसका, समझ रहे हो ना, रूट वगैरह का चक्कर पड़ेगा इसका, कोई नहीं, अब पड़ेगा तो पड़ेगा, अब होनी को कौन डाल सकता है, ये रूट्स आ जाएंगे इसके, लेकिन ये भी मत भूलना कि यहां भी है ये चीज दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप करोगे इसमें से गिव अवे, कह रहे हैं काफी बच्चे तो गिव अवे तो करेंगे ही, पर आप क्या चाहते हो, मैं आपसे फोन पे बात भी करूं और गिव अवे भी करूं, बताना मुझे, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व विद टाइमर करेंगे बेटा, उस वहां पे भी आएंगे, अभी हम केस टू पे आएंगे, केस टू क्या कहता है कि अंदर वाली चीज यार नेगेटिव है, यानी कि x² - 1 आपका नेगेटिव है, इन दैट केस बच्चों, यानी कि मैं ऐसा मिडिल वाला इंटरवल इसका मान के चल रही हूं, सो व्हाट विल यू गाइस गेट, नेगेटिव ऑफ व्हाट इज इनसाइड, है ना, मॉड है तो केस है, केस है तो मॉड है, यानी 7x² + x - 5 = 0, अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट वाला लोचा है, हाँ कि ना, तो ले लो फिर यार, अब क्या ही करें, इसमें तो देखो कुछ हो नहीं पाएगा हमसे, है ना, हमें लेना ही पड़ेगा, तो जो करना होता है बेटा वो तो फिर करना ही पड़ता है, तो -b + - इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, b² - 4ac, अरे बाबा, अपॉन 14 आ जाएगा, सो दोस्तों दिस इज 5 × 4 = 20 × 7 = 140, करेक्ट, अब आपको इसको वो करना पड़ेगा बेसिकली, मतलब अरे पीछे क्यों जा रही हूँ, आगे जाना है ना, अच्छा पहले ये वाला केस लिया हुआ है तो इसके रूट्स ऐसे आएंगे, अब आप देख लो कि दोनों के दोनों रूट्स -1 और 1 के बीच में होंगे, जी हाँ बिल्कुल, तो ये पूरा आपका आ रहा है, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, मॉड एक्स जब ग्रेटर देन वन होगा तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो भी बोथ एक्सेप्टेबल होंगी, यानी कि कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, 4, चलिए इसी के साथ साथ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स मेथड, तो यार ये ना मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा तो रही हूँ तुम्हें, कई जगह पे यूज़ भी होगा, बट कईयों में ना ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को यूज़ करो, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा वाटर टाइम, वाटर पीना चाहिए, वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, अब इसको समझो, न्यूटन्स मेथड क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से दिस वन, Sn इज इक्वल टू, आपको αn प्लस β n या α n माइनस β n कुछ भी दे रखा हो ऐसा, देन ये वाली जो इक्वेशन होती है होल्ड्स ट्रू, इसको प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि देखो हल्का सा एक आइडिया दूंगी, वैसे इट इज अबाउट दी एप्लीकेशन बिट, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कई बच्चों के दिमाग में होता है हम आंसर कैसे आएगा, ठीक है, तो हल्का सा एक डेरिवेशन दे रही हूँ, क्या होता है ना इसके अंदर, अगर अल्फा और बीटा रूट है, यानी अल्फा और बीटा एक एक करके दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे,
करेक्ट, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट, अभी क्या होने वाला है ना, अब आपने क्रिएट करना है SN, SN में क्या चाहिए, अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर n, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा रेस्ट टू पावर n माइनस 2 से, इसकी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए बीटा रेस्ट टू पावर n माइनस 2 से, कर सकते हो ना, आसान है ना आसान, क्यों, क्योंकि दोनों साइड तो तब भी जीरो होंगी ना, ये वाली साइड तो तब भी जीरो ही रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी। अब बात तो तुम समझ ही गए हो, इनको ऐड करने बैठोगे तो अल्फा एन प्लस बीटा एन क्या हो जाएगा, एस एन, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एस एन एस एन माइनस वन, एंड इनको हो पूरे को मतलब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यार एक गलत जगह पे देखो, गंदी गंदी बात, ये वाली बात होनी चाहिए थी, हाँ एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर आपको ये बात पसंद आ गई है तो ये वाला इमोजी ढूंढो और बनाओ इन द चैट सेक्शन, समझ रहे हो, न्यूटन बाबा हर जगह, न्यूटन बाबा की जय। चलो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, आपके पास सिचुएशन है यहाँ पे एस एन एक इससे कम एक इससे कम, यानी आप देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर को आप टेक्निकली एस एन से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, एक्स को आप एस एन माइनस वन से कर रहे हो, एंड जो आपका कॉन्स्टेंट है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास वन है, तो उस वन को आप एस एन माइनस टू से कर लो। आए हाय, ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया, इश्क वाला लव, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। तो अब मुझे देखना है इसको अल्टीमेटली यूज कैसे करना है, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया कि होता क्या है इसके अंदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज मुझे ये दे रखा है, अरे ये क्या हुआ, अच्छा सर आपने वो ऐड कर दिया है, आपने वो ये वाला काम कर दिया है क्या, नहीं ये मैं कर, अच्छा ओके, तो अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ये, ठीक है, जहां पे ए एन आपको ये साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दे रखा है कुछ कुछ, ठीक है, जय रुक जाओ बेटा, करेंगे टाइमर के साथ भी, अभी नहीं, जब कुछ सीख रहे होते हैं ना तब प्रेशर नहीं डालते, ए एन है ना, हाँ एन गलत, हाँ हाँ सर वो इतना तो आप समझो, हाँ, समझ तो स्मार्ट तो है ना सर आप, फिर चलिए ये फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं न्यूटन बाबा को यूज करती हूँ तो मुझे इतना पता है, मैं डायरेक्टली बोलूंगी ना, यार मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर को हमने एस एन से रिप्लेस करना होता है, एक्स को हमने एस एन माइनस वन से रिप्लेस करना होता है, एंड ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट, इसको एस एन माइनस टू से रिप्लेस करना होता है, करेक्ट, नाइस। सो अब यहाँ पे आप कैसे लिख दोगे फिर, एस एन माइनस सिक्स टाइम्स एस एन माइनस वन, माइनस टू तो एज इट इज रहेगा, एस एन माइनस टू इज जीरो, फायदा ये क्या है, एस एन यहाँ पे एस एन नहीं, यहाँ पे ए एन दे रखा है, तो एक ही बात है, ठीक है, वो कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो वो कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए यार, आपको फिर ठीक है, आपके पास ये आ गया, अब अल्फा एन प्लस बीटा एन माइनस, अब मेन बात क्या है कि अब आप n को क्या वैल्यू दोगे, चैट सेक्शन में लिखो n को क्या वैल्यू दोगे, अगर तुमने वो पकड़ लिया तो सवाल बन गया बेटा, तो तुम्हारी चांदी चांदी है, क्या कोई बता सकता है कि मुझे n को क्या लेना चाहिए, लुकिंग एट द सिचुएशन, n को आप हमेशा हाईएस्ट वाला नंबर लेते हो, तो n को 10 ले लो, क्योंकि यहां पे देखो 8 9 10, करेक्ट, तो 10 ले लो, तो 10 लेते ही दोस्तों, क्योंकि 9 और 8 तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा उसमें ना, फिर क्या बात है सर, तो अभी क्या है ना, नहीं मैं भी बड़ा लॉजिकल, एग्जैक्टली राइट, तो सर यही तो है न्यूटन लॉ, तभी तो डिजाइन ही ऐसा है कि हाईएस्ट ले लो, बाकी तो अपने आप बन जाते हैं, तो एक्चुअली आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आ जाओ,
सो ए 10 माइनस 6 टाइम्स ए 9 माइनस 2 टाइम्स ए 8 इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पे, आपका ये भी इनफैक्ट स्टेप रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, न्यूटन भैया ने ऐसा कमाल का काम किया है। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, साथे चढ़ूंगा ना तेरे पीछे, यहाँ से सिर्फ 3a9 को नीचे ले आइए, आपका जवाब आ चुका है जनाब। कितने बच्चों ने सी आंसर दे दिया? जिया बेटा काम कर लो। डन। तो एक बार यार लिख दो, कितने दिन हो गए तुम लिखते ही नहीं हो, केडीएस हो गया। यानी कि द टॉपिक इज किल्ड डेड स्लॉटर्ड। जल्दी लिख दो जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देख रहे हो ना, ये अपने आप तुम न्यूटन्स रूल देखो, ये जेई मेन वालों के साथ ये बड़ा पॉपुलर है ना, बड़ा पॉपुलर है। और अगर आप चाहते हो मैं आगे बढ़ूँ फटाफट से, आई वॉन्ट टू सी सम स्पाइक इन द नंबर ऑफ लाइक्स, जल्दी जल्दी। यहाँ क्या कह रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी, एंड ये देखो हिंट मार दिया है, हिंट मार दिया ऐसा आंख मार के। मुझे नहीं पता आंख मार के वाला कैसा होता है आइकन, बट समझ जाओ यहाँ आंख मार दी गई है और आपको बता दिया कर रहा है कि सुनो न्यूटन बाबा की जय, समझ लो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, हर जगह आप ऑप्शन में देखो 654 654 654, यानी कि 100% आप लगा सकते हो। यानी कि अब मुझे क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स एस एन प्लस 6 टाइम्स एस एन माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। अब 0 होते ही दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, आपको पता है आप एन को 6 ले लोगे। केसरिया तेरा इश्क है प्यारा लग, 5 is 6 6 is 5 जल लो, बताइए। ये तो ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के इस हलवे को प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। Just to not think of leaving it, it is such an amazing question. ठीक है, अरे superb superb, मजा आ गया मुझे तो। चलिए इसी बात पे, ऐसा सवाल पहले भी देखा है ना, या ये वही सवाल तो नहीं है, क्या ये कहीं वही सवाल है, दो दो बार क्यों है, उसमें भी मैंने यही दिया था क्या क्वेश्चन का नंबर, एक सवाल दो दो बार काहे रिपीट हो रहा है बेटा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कर लो, सोच लो तुमने नहीं देखा था पहले, अब देख रहे हो, बोलो ओह ये नया क्वेश्चन था नेहा मैम। चलो आ जाओ कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए फॉर अ नेचुरल नंबर, अब देखो यहां पे भी एक हिंट मारा गया है 9 10 8, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहां पे आपको इक्वेशन दी ही नहीं हुई, तो अब आप क्या करोगे, अब या तो आप इक्वेशन अप्पे अप्पे बनाओ, ठीक है, या फिर इसका सॉल्यूशन अलग कर दो। क्या इक्वेशन बनाओगे आप, अगर आपको इसको न्यूटन्स लॉ से करना हो तो आप इसकी क्या इक्वेशन बनाओगे। एन आपको, मतलब आप देख लो, अल्फा आपको 19 दे रखा है, ठीक है, बीटा आपको 12 दे रखा है, तो आप इक्वेशन को या तो, मतलब जो आपका है बेसिकली ऐसे बनते हैं ना तुम्हारे रूट्स, पर ए यहाँ भी हो सकता है, मतलब समझो ना कुछ इस तरह का आपका बनेगा, या तो इक्वेशन फिर ऐसे अपने आप से सोचो कि ये इक्वेशन हो सकती है ना, या आप इक्वेशन को ऐसे ले लो कि इट इज़ ए एक्स स्क्वायर नॉर्मल प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप ऐसे ऐसे बोलोगे प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस 2 इज 0। देखो पता तुम्हें सब है, लेकिन ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा।
ठीक है। वैसे मैं इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगी तुम्हें, मजा आएगा सच्ची में, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर एन को आप 10 ले लो, यहाँ पे अल्फा एन दिया हुआ है ना मुझे, अल्फा एन दिया हुआ है, चल ठीक है एक ही बात है, तो अल्फा 10 प्लस बी टाइम्स अल्फा 9 प्लस सी टाइम्स अल्फा 8, ठीक है। अब इस तरह से अब आपको लगाना पड़ेगा वैल्यू एंड देना पड़ेगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी समवट द प्रोसीजर, लेकिन मैं आपको इस सवाल के लिए एक थोड़ा सा हटके मेथड भी सिखाती हूँ। क्या करो आप, कुछ मत करो, मतलब करो लेकिन एक ऑल्टरनेट मेथड सिखा रही हूँ विच आई एम श्योर यू विल लाइक। आप इसके अंदर ना वैल्यूज ढूंढ दो, क्योंकि इसके अंदर आपको इनिशियल इक्वेशन मिसिंग है। सो ये होगा एक आप हैक मेथड, शॉर्टकट मेथड, ट्रिक मेथड, जो मर्जी बुला लो इसको, कुछ नहीं करो इसके अंदर, सिर्फ वैल्यूज लगा दो। तो 9 की जगह ये आ जाएगा, मतलब इसको यार शॉर्टकट नहीं मैं बोलूंगी, कुछ मत करो मेथड, कुछ तो करना पड़ेगा हमें, मुझे पता है, लेकिन मतलब सिर्फ आप अभी ये डाल दो और कुछ नहीं करने का। चाहो तो इसको भी फिलहाल के लिए ऐसे ही रख दो, अभी छेड़छाड़ नहीं चलेगी, ठीक है। सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज, अब देखो अगर मैं 19 रेस टू पावर 9 कॉमन ले लूँ तो, ठीक है, इन दोनों में से, सो मेरे पास क्या बच जाएगा, 31 माइनस 19। अब उसी तरह से मैं माइनस 12 रेस टू पावर 9 कॉमन ले लूँ तो मेरी मर्जी है ना, यहाँ बच जाएगा 31, एंड क्योंकि आप माइनस कॉमन ले ही चुके हैं तो आप एक माइनस 12 भी ले लेंगे। तो सबके सब बोल दो कि कुछ मत करो मेथड हम लगा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31 माइनस 19, 31 माइनस 12, तो 31 माइनस 19 तुमको क्या देगा, 12 एंड यहाँ उल्टा देगा, यहाँ 19 देगा। अब क्या करें, एक पैटर्न हमें दिख गया है कि यार 12 एंड 19 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो बात ही बन जाए, है ना। 12 एंड 19 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 19 रेस टू पावर 8, यहाँ बचेगा 12 रेस टू पावर 8। अरे दोस्तों तुमने ये देखा अल्फा 8 क्या है, लो कुछ मत करो मेथड, कुछ नहीं किया और आंसर आ गया। नहीं मतलब कुछ तो किया, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं किया, एग्जैक्टली सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन की, क्योंकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन मिसिंग थी। तो अब न्यूटन भैया के पास नहीं गए, देखो दोस्त चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर किसी और तरह से आपका काम जल्दी निकल सकता है तो निकाल लो ना यार, समझ गए, ग्रेट एवरीबडी, सुपर्ब यार, सुपर्ब, मज़ा आया मुझे। चलिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब इसके रूट्स कैसे होते हैं ये तो हमको बचपन से पता है, ऐसा बचपन में थे ना, मेरे चने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट है, वरना रियल एंड इक्वल है, वरना इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी कि अगर एक रूट तुम्हारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा तुम्हारा 100% इसी का कॉन्जुगेट होगा, कोई डाउट मत रखना, ऐसा ही होगा, है ना, बिल्कुल ठीक। बचपन, एग्जैक्टली। चलो अब ये कुछ एडिशनल चीजें हैं, वो तो हमें बचपन से पता है, ये ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, क्या ये कुछ नया सीख रहे हैं हम, कि अगर आपकी इक्वेशन तो वही है, देखो उसके अंदर क्या था, ए बी सी कोई भी रियल थे, ठीक है, अगर स्पेसिफिकली रैशनल्स हैं, रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, ए बी सी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसे केस में दोस्तों जो रूट्स होंगे वो भी रैशनल ही होंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट,
राइट. अनदर थिंग इज क्या, अच्छा अनदर थिंग इज इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारे जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल होंगे एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे. ठीक है, यानी कि अगर पी प्लस रूट क्यू, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा पर टू प्लस रूट थ्री आ रहा है तो आंख बंद करके, मुश्किल होगा लिखना लेकिन ट्राई करना, आंख बंद करके ऐसा लिख देना. करेक्ट एवरीबॉडी, समझ में आया? नाइस. नेक्स्ट, अगर ही दिस वन हैज मोर देन टू रूट्स, एक बात बताइए जनाब, किसी भी क्वाड्रेटिक के मोर देन टू रूट्स हो सकते हैं, एक ही हाल में हो सकते हैं कि वो फिर एक आइडेंटिटी बन चुकी है, यानी ए बी सी जीरो है, ए बी सी जीरो है, तो फिर अब आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू डालो, कुछ भी वैल्यू डालो, वो फर्क उसको नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आ रहा है, आप कोई भी वैल्यू डालोगे. तो अगर मैं कह रही हूँ क्वाड्रेटिक के, समझ लो ध्यान से इस चीज़ को, अगर मैं बोल रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट्स हैं, तो आप बोलोगे फिर वो उसको इक्वेशन ना बोलो, ना ना, फिर तो बेटा उसने संन्यास ले लिया है, वो आइडेंटिटी बन चुकी है, वो हर एक के लिए ट्रू है. और ऐसे केस में ए बी सी तो जीरो ही है, अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये कैसे ट्रू होगा बताओ. यस 100%. चलिए फिर इसी बात पे सवाल करते हैं दोस्तों, मेरे को नहीं यहाँ पे. अच्छा चलो पक्का पक्का, अब अगला पोल वो आएगा ना ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसमें पोल लगाएंगे, लेकिन पहले लाइक वाइक नहीं कर रहे यार तुम लोग, ये धोखा हो रहा है मेरे साथ. अच्छा आज मैं केसरिया बन गई हूँ, वेरी नाइस. और बताओ अगला रंग कौन सा पहनूं? चलिए, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, बस ये दे रखा है, तो रियल रूट्स है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. आइए दोस्तों सॉल्व करें, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ये इसको मत भूलना यार, ये बहुत क्रूशल चीज है. है काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. अपॉन टू होगा ना, तो ये वाला कट जाएगा फिर टू से. ठीक है, एलसीएम ले लिया. अब क्या खड़े हम, अब हम क्या खड़े हैं, इसको ओपन खड़े हैं बच्चों. ए स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 ए माइनस 132 हो जाएगा. या पर्पल, अच्छा पर्पल एक गिफ्ट करके भेज दो, मेरे पास तो पर्पल रंग नहीं है, भेज दो. पहले यहाँ पे आ जाए, काम कर लें थोड़ा सा, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है. अरे बाबा कुछ तो गड़बड़ है, अरे भाई साहब यहाँ से टू उड़ा दिया गया है, लगाओ टू इसको, और लगाओ थप्पड़ जिसने बनाया इसको, टू लगाओ. चलो सबके सब, सभी के सभी अभी के अभी टू लगाएंगे. गलत बात हुई ना हमारे साथ, देखो टू लगा देना बेटा यहाँ पे, सिर्फ इतना बच जाएगा, क्योंकि ये फोर फोर तो फिर उड़ ही जाएंगे ना. केसरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग ए स्क्वायर एंड यहाँ आ जाएगा माइनस 16 है एंड और क्या आएगा, 100 में से 33 16 है मैम. यहाँ क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, क्या था, 16 ए है मैम, 16 ए है मैम. अच्छा यहाँ 16 ए, हाँ ये तो बात आपने बहुत बढ़िया कही बेटा. ए
क्या हो रहा है यार ये 33/2 - 2 है. ठीक है. ये 33 आ रहा है क्या? 67 आ रहा है ना. बट ये कुछ तो मतलब फिर इससे कुछ रूट्स तो बने नहीं, कोई बात ही नहीं बनी. कुछ और तो नहीं गड़बड़े यार. एक सेकेंड, 4ac. एक बार सॉल्यूशन देखूं क्या, सॉल्यूशन में कुछ दिख रहा है. b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे ये रख लिया गया है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आपका 2 उड़ जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद ये तो कैसे ही आएगा. तो गड़बड़ क्या हुई थी, यानी कि क्वेश्चन ठीक था. एक सेकेंड, a² + 20a + 32 + 16a. आई थिंक क्वेश्चन सही था, -4a. यार क्वेश्चन सही था, सॉरी, क्वेश्चन वॉज एब्सोल्यूटली फाइन. ये नहीं था बाबा. ये ठीक है यार, ये नहीं था यहाँ पे. इट्स फाइन, एवरीथिंग इज 5. हाँ, जहाँ 4 लिखा था वहाँ 16. ठीक है. सो अपना क्या आ गया था, a² - 4a - 32. वही तो, एक छोटी सी गड़बड़ कर दो और फिर रोते रहो पूरी जिंदगी. चलिए, कितने बच्चे हैं यार जिनको वेवी कर्व मेथड आता है. आप नंबर लाइन पे क्या करते हो, इनको पुट करते हो और फिर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको राइट से स्टार्ट हो रही हो, सबकी पावर ऑड है, तो आप एक्सट्रीम वाले ले लोगे, यानी -∞ से -4 और 8 से ∞. ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों के दोनों ही आ जाएंगे, तो लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू तो फिर 8 ही हो जाएगी ना. यस. तो सॉरी दोस्तों, आपका समय बर्बाद करने के लिए नेहा मैम ने गड़बड़ कर दी थी. दिस इज फाइन. ठीक है जी, चलिए एक एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए. ये आयोटा नहीं है, ये सिर्फ इतना दिया हुआ है कि 2+√3. ठीक है, 2+√3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन राइट द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. आई थिंक इसको यूज करके फिर आगे कुछ कुछ मेंस में सवाल बना भी है. कैसे करेंगे इसे, आपको एक चीज बोली गई थी कि अगर 2+√3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या होगा. जहां पे आपको देखो ये दिया गया है, तो अब हमने क्या बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमें नहीं दे रखा है कुछ भी. तो यानी कि अगर मैं दूसरा रूट ले लूं, कि दूसरा रूट, सेकेंड रूट जो होगा वो 2 - √3 हो जाएगा. करेक्ट, अब तो चीजें आसान हो गई है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -p विच विल बी 2+√3 + 2 - √3. मतलब ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसा कोई जेई का सवाल इसको मिक्स करके आ सकता है. यस, पी एंड क्यू को या रैशनल कोफिशियंट हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल कॉन्जुगेट उसका, एंड प्रोडक्ट अगर ले लें तो फिर आप इसका प्रोडक्ट ले लेंगे. ठीक है, तो एज पर दिस तो p - 4 है, एंड एज पर दिस ये क्या है, 4 - 3, क्यू 1 है. करेक्ट, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आई होप आप लोगों ने फोड़ दिया. -4 and 1, सुपर्ब यार, सुपर्ब, वेरी नाइस, शाबाश मेरी आर्मी. चलिए कॉमन रूट्स के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हुए एक बार यार फटाफट से, आई वॉन्ट टू सी यू आर इज हिटिंग दैट लाइक बटन. एंड इसके साथ साथ आगे जाने से पहले आगे का शेड्यूल क्विकली शेयर कर दूं तुम लोग के साथ, जो बच्चे अगर बाद में जुड़े हैं. ये आपकी बेसिकली सीरीज चल रही है जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स, तो ऑब्वियसली डेट ही बता रही है कि हो चुके हैं. अरे कहाँ गए हम,
ये सारे चैप्टर्स आर डन, आज ये भी हो जाएगा एंड आगे का शेड्यूल आपको इसी तरह से मिलता जाएगा. सो ऑल्टरनेट डे हम ये सीरीज चला रहे हैं. ठीक है, चलो 60s में थे ना हम कहीं. ओके ऑल राइट बच्चों, कॉमन रूट्स मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम भाई साहब? अगर दोनों ही रूट्स इक्वल है किसी के, कोई क्वाड्रेटिक है. अब देखो ये जरूरी नहीं होता कि यही रूल लगाना होता है आपने. दिस इज वन ऑफ द वेज डायरेक्ट आपको दिया गया है कि सपोज यार ये क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक है, हमने बोल दिया कि दोनों ही रूट्स बराबर है. यानी कि दोनों रूट्स बराबर का मतलब लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है. तो ऐसे केस में आपके जो कोफिशियंट्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. तो आप डायरेक्टली इसको यूज करते हुए अपना आंसर निकाल सकते हो. करेक्ट. एंड अगर आपको दिया जाए हैज ओनली वन रूट कॉमन, तो क्या है ना आप ऐसे कर सकते हो. मतलब जरूरी नहीं है कि यही मेथड लगाना है. आप बोल सकते हो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स फॉर दिस, अल्फा गामा बी रूट्स फॉर दिस, एंड अपनी नॉर्मल सम एंड प्रोडक्ट वाली टकर टकर पटर पटर कर सकते हो. बट अगर आप डायरेक्टली लगाना चाहते हो तो इस कंडीशन को भी लगा सकते हो. क्या कहता है वो जरा देखो. एक्सट्रीम्स का डिटर्मिनेंट A1C1 A2C2 का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर किसके बराबर है? A1B1 A2B2 B1C1 B2C2, इनके डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके. तो उन्होंने आपको एक डायरेक्ट कंडीशन दे दी है और बोला खेलो बेटा खेलो, इससे मेहनत मत करो, इस डायरेक्ट अप्लाई कर दो. ठीक है जी. चलिए हमारे सवाल, हमारे सामने एक ये सवाल दिया हुआ है. लेट्स सी हाउ वी कैन टारगेट दिस वन. कम ऑन माय आर्मी एवरीबडी. कैसे कर रहे हैं इसे? इफ फॉर सम पी क्यू बिलोंगिंग टू आर नॉट ऑल हैव द सेम साइन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, लंबी जोड़ी इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अच्छा, तो एक रूट इसका और एक रूट इसका कॉमन है, तो अब हम क्या करें? देखो इसको तो मैं अगर तोड़ दूं तो मुझे दिख रहा है मैं ये लिख सकती हूँ. तो या तो -4 दोनों के लिए कॉमन है या 2 दोनों के लिए कॉमन है, अभी मुझे नहीं पता क्या कॉमन है. ओके अब बिफोर आई गो अहेड एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है. नॉट ऑल हैव द सेम रूट साइन. अच्छा यार, अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करूं तो एक चीज बड़ी जोर से चमकेगी तुम्हारे साथ. देखो इसको, इफ आई ओपन, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी देखकर ही फील आ रही है उसकी, पता नहीं आपको आ रही है या नहीं. देखो जरा, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है. अब देखो अगर मैं इसको ले लूं और इसको ले लूं, कैन आई से दिस इज PX-Q² प्लस बाकी की बची खुची चीजों को ले लूं QX. क्या क्या गड़बड़. अच्छा क्यू स्क्वायर तो ले लिया ना हमने, इसको छोड़ो इसको ले लो. हाँ अरे रे अरे ये क्या हुआ. अब आप ये बताइए यार, जब हम रियल रूट्स के बीच में खेल रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर जीरो कब होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, हर एक को जीरो होना ही होगा, हर एक को जीरो होना ही होगा. कॉम्प्लेक्स रूट्स तो खेल नहीं रहे अभी. अच्छा तो इससे x या तो तुम्हारा q बाय p हो जाएगा. ओके एंड यहाँ से x तुम्हारा r बाय q हो जाएगा. कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है बेटा, कुछ भी हो सकता है. अच्छा अगर ऐसी बात है कि कुछ भी हो सकता है, तो अब आप यहाँ देखो, q स्क्वायर बाय p स्क्वायर लिया मैंने. ओके तो q स्क्वायर बाय p स्क्वायर ये फाइंड करना है आपने,
प्लस आर बाय पी होल स्क्वायर, यानी एक तरीके से आप बोल रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही फाइंड करना है, आर बाय पी, छी 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 छी, वेट करो वेट करो वेट करो, ये क्या हो गया, रुक जाओ। अब x की वैल्यू मुझे बताओ, या तो अब मेरे को जरा सोच समझ के बताना कि मैं x को माइनस फोर एक्सेप्ट करूं या टू एक्सेप्ट करूं। शुड आई टेक x एज माइनस फोर, या तो इसका ना जो है यहां छुपा है, नॉट ऑल हैव द सेम साइन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस। अगर मैं टू ले लेती हूं, सपोज सपोज ठीक है, सपोज मैंने बोला कि x टू है तुम्हारा, तो q बाय p बेटा टू है एंड आर बाय क्यू भी टू है। अच्छा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना, तुम्हें साइन सेम नहीं चाहिए और इसके चक्कर में साइन सेम हो जाएगा, आप डाल के देख सकते हो, ठीक है। आप सम या प्रोडक्ट लोगे, यू विल सी द सेम साइन, यानी ऑपोजिट साइन लेने के लिए मुझे माइनस फोर लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस फोर अगर मैं लेती हूं, ठीक है, तो फिर अब आप यार इसमें से निकाल दो आंसर, यहां से q इज माइनस फोर पी, आर इज माइनस फोर क्यू, ठीक है, वैल्यूज डाल दो आप इसके अंदर, या तो दोनों सबको ही q के टर्म में, या सबको ही p, या सबको ही r के टर्म में कर दो, डू समथिंग लाइक दैट एंड यू शुड गेट योर आंसर, ठीक है। या तो सबको ही p के टर्म्स में कर दो ना आप, सबको ही पी के टर्म्स में कर दीजिए, क्यू इज फोर पी, ये कुछ गड़बड़ है क्या, ये आर बाय क्यू है क्या, कुछ और है, आर बाय पी होना चाहिए ना, हाँ आर बाय पी, यहाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है बच्चे, मेरे बच्चे, आर बाय पी, हाँ R by P दे रखा है ना, ये R by P होना चाहिए था ना, हाँ जी, तो कुछ हमने वो तो नहीं कर लिया, R by P होना चाहिए था, यहाँ तो कुछ नहीं है, माइनस टू क्यू पी, माइनस टू क्यू आर एक्स पास क्यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर, नहीं है तो सही है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं देखूँ तो Q दोनों को Q4P है, R16P है, यहाँ कुछ अलग ही ले रखा है, अरे अरे कहाँ चले गए हम, आंसर 20 तो ठीक है, देखो यहाँ तक तो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे वो, एक मिनट रुको, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, इसका आंसर 272 दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, देखो यहाँ से क्यू फोर पी आ रहा है, क्यू फोर नहीं, कुछ उसके अंदर गड़बड़ है, मैं एक बार इसको चेक करती हूँ, टू पी क्यू एक्स है, वो टू पी क्यू एक्स है, नहीं वो तो बेटा इसके साथ ले लिया ना, इसके साथ ले लिया था वो, तो यहाँ बचा है, बचा तो सही है, एक बार मैं ना इसको चेक करती हूँ दोबारा से, तब तक हम ना सवाल दूसरे सवाल पे आते हैं, लेट मी जस्ट क्विकली चेक दैट क्वेश्चन अगेन कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, डोंट वरी मैं देखती हूँ इसको, ठीक है ना, कोई बात नहीं दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी, 2PQX आ रहा है, हाँ वो कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए, कोई बात नहीं, वो मैं हम फिगर आउट कर लेते हैं, आप अभी अगले क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है, सच दैट इक्वेशन हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा विच इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस वन, ठीक है, इफ बीटा इज द अदर रूट इन द इक्वेशन तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ऐसा ही सिमिलर सवाल हमने किया है ना, आई नो सॉल्व तो सही किया है, मैं सिर्फ वो देख रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन में तो नहीं गड़बड़ हुई अपनी तरफ से, कोई बात नहीं मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे अब आप देखोगे, अगर आपका रिपीटेड रूट है अल्फा, तो आप इसको, इनफैक्ट ये इस कैटेगरी का सवाल भी हम कर चुके हैं, है ना, ये माइनस टू बी बाय ए लिया था प्लस टू बी, यानी अल्फा अपना बी बाय ए आ रहा है एंड अल्फा स्क्वायर अपना फाइव बाय ए आ रहा है, तो याद है हमने कहा था इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, अभी पीछे ऐसा ही सवाल गया है बेटा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, करेक्ट, तो ये बी स्क्वायर आपका फाइव ए आर है
याद आ गया, आंसर मैच हो रहा है, सही है, कोई बात नहीं, अभी उसको देख लेती हूँ मैं जो भी हम बात कर रहे थे, अभी इस पे आ जाओ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अल्फा बीटा इसका रूट लूँ, तो आप पहले अल्फा देख लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फा माइनस टेन इज जीरो, करेक्ट। एक बार ये चीज आ गई है, ओके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज बी बाय ए को या तो मैं इससे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, करेक्ट। मेरा यहां से मैं देखो अल्फा क्या है, बी बाय ए है, आई कैन पुट द वैल्यू हियर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू बी इंटू बी बाय ए माइनस टेन इज जीरो। मुझसे लग रहा है ऑलमोस्ट सेम ही सवाल लग रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम ही सवाल लग रहा है। चलो जो भी है, लेट्स जस्ट डू इट, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर, अच्छा अब आपको पता है बी स्क्वायर फाइव ए है, इससे आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी फाइव टू जो टेन ए स्क्वायर, देख सकते हो ना आप यार, ए क्या आ रहा है तुम्हारा 5 बाई ट्वेंटी, ए आपका 1 बाय फोर आ जाएगा, करेक्ट। ए 4 आ जाएगा तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 बाय फोर आ जाएगा। आई होप फील आ रही है इस चीज की, फटाफट से निकालते जाओ और आंसर बताते जाओ मुझे। ए 1 बाय फोर है, बी स्क्वायर 5 बाय फोर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा तुम्हारा बी बाय ए है, या आप ये भी कह सकते हो अल्फा स्क्वायर इज 5 बाय ए, तो अल्फा स्क्वायर 20 है ना, एंड बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा बेटा किधर है, बीटा बेटा अल्फा बीटा माइनस 10 है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 100 है, तो बीटा स्क्वायर यहाँ से 100 बाय 20 तो 5 आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 आ जाएगा। ऐसा ही सवाल हमने पहले भी किया था, आंसर आ गया तुम्हारा, यस ऑर नो, ठीक है जी। चले आगे, वो पिछला सवाल देख लूं कि वो कौन से उसका था, 26 जुलाई शिफ्ट वन का था, ठीक है अभी देखती हूँ उसे, दिस इज सॉर्टेड। ये तो बहुत ही सिंपल सा था, यहाँ पे आ जाओ, इस बार ही मैं टाइमर चला रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम लोग इस बार ट्राई करो, स्टार्ट विद द मैजिक, फाइनली डन। हाँ जी टन 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 टन, चलो मैं जब तक उस क्वेश्चन को एक बार ही चेक कर रही हूँ, आप लोग ये चेक कर लो। Let's see. Lut gayi. Da 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 da. ओके अरे बेटा वो पिछले वाला क्वेश्चन एक्चुअली हो चुका है, मैं अभी एकदम ठीक ठाक है, तो इस पे जाने से पहले ना मैं एक बार वापस इसी सवाल पे जा रही हूँ, किस पे भला, इस पे, ये वाला याद है ना क्वेश्चन, इसमें यार कुछ भी नहीं है, एक बार हमने माइनस फोर अगर ले लिया है, पता नहीं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हम, मतलब मैं कर कैसे रही हूँ, यहाँ देखो ना जो भी फाइंड करना है कुछ गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है ना। कई बार क्या होता है आप पेन पेपर पे करते हो ना, आपको एकदम से चमकता है, अरे ये देखो। तो अच्छा हमने क्या किया, जोक सपाट, क्यू इज माइनस फोर पी, ठीक है, आर इज माइनस फोर क्यू, तो भैया ये क्यों नहीं कर सकते हम, क्यू की वैल्यू दोबारा डाल दो ना, माइनस फोर पी तो 16 पी आ गया।
अब निकालूं सारी जगह, क्यू स्क्वायर क्या है 16 पी स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है 16 × 16 256 पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो आंसर आ तो रखा है, इतनी चिंता किस लिए कर रहे हैं, 6 × 6 = 12 हाँ 272 आया तो हुआ है आंसर, कितनी जल्दी, पता नहीं इतनी देर से हम कर क्या रहे थे, मतलब इसको तो कहते हैं ना कि महा महा बेवकूफ़ी करना, आंसर तो आया ही हुआ है। सो देखो सीरियसली मैं यहाँ पे आपके सामने, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, मैं कागज़ और पेपर, मतलब कागज़ और पेपर एक ही बात होती है, कागज़ और पेन लेके सोच रही थी यार मैं क्या करूँ इसका, एंड फिर मेरे को लगा अब बे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, आंसर आया तो हुआ है, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो आंसर आ चुका है बेटा, हाँ जी ये वाला सवाल हम कर रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, फिर होनी को पॉल नहीं डाल सकता है। चलिए इस सवाल पे आते हैं, तो क्या दिया हुआ है मुझे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ़ दे हैव अ कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1, ठीक है, तो कोई एक कॉमन रूट है, हाँ बेटा हंस लो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम -1, देन मॉड बी क्या होगा, तो ज़रा समझते हैं, हैव अ कॉमन रूट जो -1 नहीं है, ओके तो इस केस में क्या कर सकते हैं, मैं कोई कॉमन रूट बनाने के लिए, अच्छा आपस में इनको सॉल्व करूं, आपस में एक बार सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज़ ज़ीरो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी ज़ीरो, अगर इसको दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, x ले लें तो b माइनस वन, माइनस वन माइनस बी ज़ीरो, यानी कि x इज b प्लस वन अपॉन b माइनस वन, मान लो मेरा ये एक रूट है, माइनस वन के बराबर नहीं है पर ये एक रूट है, तो इसको या रूट को मैं किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकती हूँ, सपोज इसमें डाला मैंने, सिंस दिस इज़ अ रूट, तो मैं क्या कहूँगी, b प्लस वन अपॉन बी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो, बन गया ना हीरो। चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, व्हाट विल दिस बी, बी प्लस वन होल स्क्वायर, अगर मैं बी माइनस वन होल स्क्वायर का एलसीएम ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस वन प्लस बी इंटू बी माइनस वन होल स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली मैं क्या कर रही हूँ, मुझे b की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो ना, तो इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक नया मेथड लगाया और इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया, राइट, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इसको ओपन कर दो, ओहो तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा बी क्यूब माइनस टू बी के साथ माइनस टू बी स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस विल बी प्लस वन जो प्लस बी दे देगा, बताओ मुझे इक्वेशन लिख के क्या आ रहा है, आए हाय ये जो कटा है, ये जो कैंसिल आउट हुआ है ना बेटा, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि यहाँ देखो कुछ तो हुआ होगा, आई एम श्योर कुछ तो बढ़िया हुआ होगा लाइफ में, देखो प्लस थ्री बी, आय हाय 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 क्या ही बात हो गई दोस्तों, वाह, अब यहाँ यार दो बातें हो रही हैं, या तो b तुम्हारा जीरो है या फिर b तुम्हारा प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा है, कौन सा वाला लूँ, मॉड b क्या होगा, दोनों ही केसेस में मॉड b क्या होगा, भैया मॉड b की वैल्यू दूर दूर तक जीरो नहीं दे रखी, तो उसको तो आपको हटाना पड़ेगा, है ना, एंड मॉड b की वैल्यू, यानी अगर ये लूँ मैं रूट थ्री आयोटा ले लूँ तो क्या ही होगा, रूट थ्री होगा, माइनस ले लूँ तब भी वही होगा, सी आंसर आ चुका है, खुशी, इतनी खुशी के साथ, दिस इज एब्सोल्युटली डन, मज़ेदार था कि नहीं, बिल्कुल, आप कहाँ से आते हो और बोल रहे हो बिल्कुल मैम, मैं देख रहा था मैम क्वेश्चन, अच्छा आपको मज़ा आया फिर, हाँ जी, बच्चों को एक बार ही बता दिया जाए, ये लिंक इस वक्त आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आपकी लाइव चैट में भी पिंड है, tinyurl.com/jeeewithneha मैम,
आप ये जो सीरीज देख रहे हो, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि क्या नेहा मैम ये सीरीज कंप्लीट है, मतलब अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आज ये वीडियो लगा ली, एक वीडियो देख ली, तो कंप्लीट है? नहीं, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं है कि ऐसे बोल कर बोलूँ यहाँ हो गया भैया एक ही बार में, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, आप ये तो आप करोगे ही, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स के साथ तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन हो रही है। बट उसके साथ साथ 2021 के, 22 के, 20 के PYQs लगाने बहुत ज़रूरी हैं। एंड ये बहुत सारे PYQs थे ना, तो एक ही सेशन में हम एक साथ तो ले नहीं सकते थ्योरी के साथ साथ। सारे मतलब वन शॉट्स का एनफ नहीं है, बहुत सर। वन शॉट्स के साथ साथ वही मैं बोल रही हूँ ना, आपके वन शॉट्स तो यहाँ पे जैसे अपडेट होते जा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको 2022 के से लगाना क्वेश्चंस, 2021 के, 20 के, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। 2020 से 22 तक का तो कोई नहीं छोड़ के जाएगा क्वेश्चन, एंड अभी एक ही सेशन में तो हम लगा नहीं सकते ना। दैट इज़ वाई देर एक्सक्लूसिव वीडियोज। तो आप क्लिक करो, अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो नहीं देखना चाहते, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसकी PDF निकाल लो, बट यू हैव टू डू। एंड इसके साथ साथ ना, हर सेशन के साथ तुम्हें वर्कशीट मिल रही है, तो मैं थोड़ा वर्कशीट दिखाती हूँ किस तरह की लगती है आपको, वेरी क्विकली। जो बच्चे शुरू से अटेंड कर रहे हैं सेशंस, हैं? हाँ सर, पता है, वही कर रही। तो जैसे जो बच्चे कर रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट है जो मैं शेयर कर रही हूँ बच्चों के साथ। जैसे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वाह, मेरी टीम ने मेरे को ही एक्सेस नहीं दिया, मतलब देख रहे हो तुम, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है अपने साथ। चलो मैं कोई भी और ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह की यार आपको एक वर्कशीट मिलती है जिसको आप प्रैक्टिस करते हो, एंड दैट इज़ वाई एक एक दिन का गैप दे रही हूँ मैं। अभी पिक्चर बाकी है, लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत ही तगड़ू मगड़ू टॉपिक है जो इसके बाद कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने क्या किया इस बार, दीज आर लाइक 10-15 क्वेश्चंस विच हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम योर पास्ट ईयर्स या फिर सेंगेज बुक या NTA अभ्यास के उससे। एंड पहले मैंने क्वेश्चंस दिया, क्वेश्चंस करो, एंड उसके बाद उसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, समझ रहे हो। तो ये भी वर्कशीट आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड हो रही है, लेकिन एक चीज है जो नेहा मैम को चाहिए, वो बताओ क्या है। क्योंकि यार मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि इट इज नॉट कि यार एक सीरीज चला दी, चलो थोड़ा सा पढ़ा दिया, और फिर अल्टीमेटली तुमको बोलना है कि ये जाकर ना सुनो खरीद लेना तुम, ठीक है। जो भी यूट्यूब पे तुम्हारा काम हो रहा है वो पूरा हो रहा है, एंड द रिसोर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर 5000 से भी ज़्यादा सवाल है, मॉक पेपर्स भी भरे हुए हैं, तुम्हारी मैराथन सेशंस भी भरे हुए हैं, तुम खाली प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो तो। सो everything is out on YouTube, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको किस तरह से यूज करते हो। तो कोई भी मेरा हिडन एजेंडा नहीं है इन सेशंस के पीछे कि हाँ यार मीठी मीठी बात करूंगी, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी और उसके बाद बोलूंगी आ जाओ यार ये खरीद लेना अल्टीमेटली मुझसे, नहीं। The simple idea is that if the channel can reach out to maximum people and help you guys out, तो इसलिए share करो, क्योंकि तुम ही हो, समझ रहे हो ना, तुम ही हो जो ये चीज पहुंचा सकते हैं, right? चलिए, location of roots, which is a hyper important topic once again. तो इसके अंदर क्या होता है, location of roots, अब नाम में ही काम है कि आपके roots जो हैं किधर किधर लाई कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड कंडीशंस क्या है। तो इसके अंदर लगभग हम 6 केसेस करने वाले हैं, करेक्ट। एंड मैं साथ साथ आपको फिर उसके क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स करवाने वाली हूँ, करेक्ट। जैसे कि केस नंबर 1 है, अब सुनना ध्यान से, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो ऐसी दो सिचुएशन होंगी भैया, या तो तुम्हारा इस तरह का बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, कट कर रहा है, ठीक है। तो सपोज मैंने अपवर्ड पैराबोला लिया, अभी थोड़ी देर के लिए कंडीशंस को भूल जाओ, समझो कि ये किस तरह से हम बात करेंगे। उसने कहा बोथ द रेट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट, यानी एक फिक्स्ड, अगर मेरे पास पॉइंट है, यहाँ देख लो एक फिक्स्ड पॉइंट है, एंड ये दोनों के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा इससे बड़े हैं, दिख ही रहा है ना नंबर लाइन पे, बड़े हैं। अब क्या क्या कंडीशन जिससे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मोर और लेस तुम हर उसके अंदर इन्हीं के साथ खेलोगे। सबसे पहले तो यार, क्योंकि दो रूट्स अलग हैं, रियल एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो भैया तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, अगर बराबर हो जाए तो फिर इक्वल टू जीरो ले लेते हो तुम, ठीक है, दैट इज पॉइंट 1। सेकेंडली,
अगर ये अपवर्ड पैराबोला है यानी a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, f ऑफ x नॉट मतलब अगर ये x नॉट है तुम्हारा, तो ये जो y एक्सिस की तरफ जा रहा है ये f ऑफ x नॉट है, ये भी पॉजिटिव है, यानी अगर मैं a और f x नॉट का प्रोडक्ट ले लूं, a और f x नॉट का प्रोडक्ट ले लूं तो ये आपस में पॉजिटिव है. एंड ये वाला जो तुम्हारा वर्टेक्स है माइनस बी बाय टू ए, ये जो है ये तुम्हारे यार x नॉट से तो बड़ा ही है. अब ये माइनस बी बाय टू ए कैसे आया, आप देखो, आप वैसे तो इसको डेरिवेटिव में करूंगी, अब मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स लेते हो ना, हल्का सा बैकग्राउंड दे रही हूँ, तो टू ए एक्स प्लस बी, इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए आएगा, वो तो देख के भी पता चल रहा है मिनिमम पॉइंट आता है. एंड जब आप ये वैल्यू इसके अंदर डालते हो तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट इसका माइनस बी अपॉन टू ए है, यानी एक्स नॉट से बड़ा है कि नहीं, तो मैंने कोई गलत चीज़ थोड़ी ना लिखी. तीनों कंडीशन समझ में आ गई हैं, इसी तरह से हम कंडीशंस आपकी आगे के केसेस में भी लेंगे. अच्छा, लेकिन उससे पहले केस टू समझ लेते हैं. आपका यार ये डाउनवर्ड, भाई साहब आप इधर आइए, आपका इस बार अगर मैंने डाउनवर्ड पैराबोला लिया यानी a लेस देन जीरो, भैया रूट्स तो इसके पास भी दो हैं, तो ये कंडीशन तो इसमें भी होल्ड कर रही है. दूसरी बात, a आपका लेस देन जीरो है, अगर f ऑफ x नॉट तुम्हारा यहाँ है तो इसके, सॉरी x नॉट यहाँ है तो f ऑफ x नॉट की वैल्यू भी तो लेस देन जीरो है, ये नेगेटिव x नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रही है, तो a भी नेगेटिव और f ऑफ x नॉट भी नेगेटिव, आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो पॉजिटिव. थर्ड, यहाँ पे भी तो यार तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डिफ्रेंशिएट करूँ तो यार इसका कोऑर्डिनेट भी तो माइनस बी बाय टू ए होगा, एंड क्या माइनस बी बाय टू ए इस बार भी एक्स नॉट से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है. तो यही तीनों कंडीशन अभी भी हो रही होंगी, यानी कि अगर एक आपको क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा कि भैया सो एंड सो देर आर टू रूट्स इन द इक्वेशन विच आर ग्रेटर देन अ फिक्स्ड नंबर लेट्स से वन, और आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, तो आप ये कंडीशन लगा के और वो अननोन वैल्यू निकालोगे. गॉट इट. सेकेंड कंडीशन में आते हैं कि जो आपके दोनों के दोनों रूट्स हैं वो किसी एक फिक्स्ड नंबर से लेस हैं दोनों. एक मिनट पानी पी लूँ फिर बताती हूँ. अच्छा, अब मेरे साथ साथ देखो, अब वही तीन कंडीशंस है भैया, ये x नॉट एक फिक्स पॉइंट है, अल्फा बीटा इस दोनों से छोटे हैं, तो सबसे पहले तो यार दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसने तो पॉजिटिव होना ही है. अब आप फिर से देखो, इस केस में a ग्रेटर देन जीरो है, अब यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये इसकी अगर मैं वैल्यू लेने जाऊँ तो ये है ना एफ ऑफ एक्स नॉट, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्रोडक्ट आपका फिर से पॉजिटिव है, और माइनस बी बाय टू ए जो यानी यहाँ का पॉइंट है ऑब्वियसली दैट इज लेस देन एक्स नॉट, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई. यही कहानी है जो तुम्हारी डाउनवर्ड पोराबोला आज हम पोराबोला बुलाएंगे इसको. पैराबोला में क्या हो रहा है, फिर से अल्फा बीटा इसका जो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो नहीं मतलब जो इनके बीच का ये जो वर्टेक्स आ रहा है इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये लेस देन एक्स नॉट है, करेक्ट, दो रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप बोलोगे, एंड ऑफ कोर्स a लेस देन जीरो है एंड f ऑफ x नॉट भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो दो चीज़ें जब नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हुई तो पॉजिटिव हो गया. याद करने में कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं. हाँ, सब के सब बिल्कुल स्पैम कर सकते हो कि आज से इसका नाम है पोराबोला, पोराबोला. चलिए जो भी है, ओके, वन रूट इज लेस देन एंड अदर इज ग्रेटर देन x नॉट, यानी x नॉट कहीं यहाँ है, मिड पॉइंट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, समझ में आ गया. अगर ऐसी सिचुएशन है, देखो डिस्क्रिमिनेंट तो इस केस में भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, पर मैंने फिर लिखा क्यों नहीं अगर होगा तो. यार एक्चुअली क्या होता है कि ये लिखना ना एक तरह से रिडंडेंट हो जाता है, मतलब ऑब्वियस हो जाता है, इससे कोई नई बात पता नहीं चलती हमें क्वेश्चन में, लेकिन आप तब भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो भैया, लिखने के लिए तुम्हें कोई टाल थोड़ा सकता है.
दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा तो a तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट नीचे जा रहा है। ओए ओए होए, क्या बात है। तो यानी कि दूसरी कंडीशन उल्टी है। यहाँ पे देखोगे a लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट ऊपर जा रहा है, फिर से ऑपोजिट साइन आ रहा है, ये इसकी यूएसपी है। ये मेजर थिंग है इसकी जो आपकी अलग है। तीसरी कंडीशन अपनी क्या थी, पिछले में थी कि ये आपका जो माइनस बी बाय टू ए था वो यार हम बोल रहे थे एक्स नॉट से लेस है या ग्रेटर है। अब इस बार देखो मुझे क्या पता, आपका ये इधर आ रहा है, ठीक है, लेस देन एक्स नॉट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्स नॉट को थोड़ा खिसका के इधर ले लूँ, समझ रहे हो, मतलब ऐसा मैंने रूट लिया और मैंने फिक्स पॉइंट को लेट से इधर कर दिया, ये एक्स नॉट, तो ऐसे केस में तो यार एक्स नॉट इससे छोटा हो जाएगा, यानी आप बता नहीं सकते। तो आप बोलोगे मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। तो जब पता ही नहीं तो आप बताएंगे कैसे सर। तो इसके अंदर बेसिकली आपने एक ही चीज करनी होती है, वो है ये, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या पता बेटा, राइट एवरीवन। चलिए ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस आ रहा है, व्हाट डज इट से, बोथ रूट्स आर बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू। तो इस बार ही दो फिक्स पॉइंट्स हैं, दोनों के दोनों उसके अंदर सैंडविच होके बैठ गए हैं, समझ रहे हो। आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, आप ऐसा समझ लो कि दो ब्रेड के टुकड़े हैं, बीच में आपके रूट सैंडविच बन के बैठ गए हैं। तो ऐसा, हाँ एग्जैक्टली युग बोल रहे हैं, मैम इक्वल भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो फिर मुझे क्या पता, राइट करेक्ट। चलिए ओके, तब ऐसे केस में अब देखो, फिर से हम कह रहे हैं दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा रियल एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो यार डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे देखो दो दो फिक्स पॉइंट्स आ गए हैं, तो फिक्स पॉइंट मतलब ब्रेड, रूट मतलब बताइए किसका, बताइए किसका टोस्ट खाना पसंद करते हैं, चीज का, समझ लो। ऐसी सिचुएशन आ गई है तुम्हारी। अब इसमें a तो ग्रेटर देन जीरो है, एफ ऑफ एक्स वन भी ऊपर जा रहा है, एफ ऑफ एक्स टू भी ऊपर जा रहा है, यानी दोनों का प्रोडक्ट भी ऊपर जाएगा भैया, सही है ये। अच्छा, और अगर तुम्हारे ब्रेड के बीच में दोनों रूट्स बैठे हैं आराम से, तो इतना तो हम कह ही सकते हैं ना कि ये वाला जो आपका पॉइंट है मैक्सिमा या मिनिमा वाला, ये भी एक्स वन एंड एक्स टू के बीच में ही आएगा। इस बार ये तो हम तगड़े तरीके से कह सकते हैं, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ हाँ कि ना, पोटैटो पटेटो पटेटो पोटैटो जो भी, हाँ या ना, यस और नो, ऑब्वियसली इतना तो हम बोल ही सकते हैं, यस दैट्स इट, खत्म, ये चीज समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, दोनों ऐसे ब्रेड तो आके खड़ी हो गई हैं, ठीक है। अब आलू मटर का को तुम टोस्ट खा रहे हो, क्या करते हो, आलू तो अंदर डाल देते हो, मटर बाहर फेंक देते हो, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट लाइक मटर, जल्दी से बता दो, बता दो, तुम्हें कसम है उसी आलू की, करते हो कि नहीं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ। अब यार ये तुम्हारे फिक्स पॉइंट तो आ चुके हैं, लेकिन ये आलू है यार, ए फॉर आलू, ये तो अंदर बैठा है, इसको तुमने बी फॉर बाहर कर दिया, ये वो मटर का टुकड़ा है जिसको तुमने बाहर निकाल दिया बेदर्दी से, समझ रहे हो, ये वो बेचारा मटर का टुकड़ा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग पीपल, जोक्स अपार्ट, अब ऐसी सिचुएशन को जरा देखें। इसमें तो आपने नेहा मैम बहुत ही अजीब सी चीज बता दी, प्लीज अंडरस्टैंड, इसके अंदर दो रूट्स है, तो मुझे आइडियली लिखना चाहिए कि यार बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, डिस्क्रिमिनेंट आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन फिर से एक बार लिख दोगे, कुछ गलत नहीं है, लेकिन ना इससे निकल के कुछ खास नहीं आता, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया, यहाँ पे कोई यूएसपी नहीं है इसकी, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए सेकेंड चीज हमने क्या सीखी थी, माइनस बी बाय टू ए की, माइनस बी बाय टू ए की, अब माइनस बी बाय टू ए, फिर वही सिचुएशन आ गई, यहाँ पे लेस है, लेकिन मैं अगर इस एक्स टू को इधर ले लूँ, और मुझे क्या पता एक्स वन से बड़ा है एक्स टू से बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन आलू है कौन मटर है, मुझे नहीं पता ना,
दोनों में से कौन सा आलू वाला है, कौन सा वाला मटर है, मेरे को नहीं पता, मम्मी ने अंदर क्या डाल दिया है मेरे सैंडविच के, करेक्ट? तो मुझे क्या पता, और इक्वल भी हो सकता है ना, तो मुझे क्या पता, और अब जिसका मुझे पता नहीं उसके बारे में बात क्या करूं, करेक्ट? यस। दूसरी चीज जो इसकी यूएसपी है, अब तुम देखो यहां पे, एफ ऑफ एक्स वन ऊपर जा रहा है, एफ ऑफ एक्स टू नीचे जा रहा है, यहां पे एफ ऑफ एक्स वन नीचे आ रहा है, एफ ऑफ एक्स टू ऊपर जा रहा है, ये आपकी यूएसपी है कि अगर आपका एक रूट अंदर रह गया है दूसरा बाहर चला गया है, सो इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट्स, उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट लेस देन जीरो होता है, एंड ये काफी पूछ जाता है, इट इज पॉपुलर, यहां से सवाल बनते हैं, इट इज पॉपुलर बेटा, गॉट इट? यस। चलिए, बोथ रूट्स आर आउटसाइड, ये तो वही बात हो गई बेटा, है ना, वही बात हो गई कि भैया मम्मी ने ब्रेड के अंदर बटर तो लगा दिया, अब वो बोल रही है अंदर चीजें क्या डालू, आप बोलते नहीं बस कुछ नहीं, ब्रेड बटर दे दो, समझ रहे हो, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स बाहर हैं, बताइए, बोथ द रूट्स आर आउटसाइड, ऑब्वियसली यार इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगा, लेकिन इसकी ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं होगी जब आप क्वेश्चंस में देखोगे, है ना, बहुत ज्यादा फर्क इसको नहीं पड़ रहा होगा, करेक्ट? इसलिए लिखना होगा तो लिख लो, बट क्वेश्चंस में देखोगे तुम इससे कुछ नई बात नहीं पता चलेगी तुम्हें। नेक्स्ट बिग थिंग, यहाँ a ग्रेटर देन जीरो है, करेक्ट? एफ ऑफ एक्स वन किधर जा रहा है, नीचे, एफ ऑफ एक्स टू किधर जा रहा है, नीचे, यानी मैं अगर इनका a इंटू एफ ऑफ एक्स वन, a इंटू एफ ऑफ एक्स टू ले लूं, पर आपस में इनका प्रोडक्ट लूं उसका सेम ही रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि माइनस बी बाय टू ए का आप क्या कह सकते हो, क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि x1 एंड x2 के बीच में ही होगा? या इस बार इक्वल भी हो सकता है कहीं? मतलब बोथ रूट्स आर आउटसाइड x1 एंड x2, तो ये आपके रूट्स हैं लेकिन बोथ रूट्स आर आउटसाइड ऑफ x1 x2, क्या ऐसा भी, x1 इधर भी हो सकता है, x2 इधर भी हो सकता है, तो हो सकता है किसी केस में ये बराबर भी हो जाए, तो फिर से बात तो वही आ गई कि मुझे क्या पता, समझ में आ गया? तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं सिर्फ वही जो मुझे पता है उन्हीं की बात करूंगी, सो बोथ ऑफ देम आर आउटसाइड, करेक्ट? तो मैंने आपको सारे केसेस कवर करा दिए, आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता करते करते बहुत पता कर लिया हमने, लेट्स डू सम क्वेश्चंस हियर, आ जाइए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग पीपल, क्या हो रहा है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से 1, 0 से 1 मतलब ये x0 है, ये x1 है, ये वही सिचुएशन आ गई है तुम्हारी, वही सिचुएशन आ गई है तुम्हारी जिसके अंदर आलू अंदर है मटर बाहर है, ऐसे केस में क्या स्पेशल होता था, तुम खुद से एक बार ही विजुअलाइज करके देखो, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल, अच्छा तो आप सोच लो ये रूट है एंड एक अंदर है एक बाहर है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप, ऐसे केस में हमने क्या ऐसा सीखा था जो इसकी थोड़ी यूएसपी थी, एंड आपने कहा रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या ले सकते हैं हम इसके अंदर, जल्दी बताइए बच्चों क्या करेंगे आप इसके अंदर, याद है एक बहुत ही यूनिक चीज हमने सीखी थी कि यहाँ पे यार ए, ये देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस वन तो ग्रेटर देन जीरो ही है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, यहां पे देखोगे आप एफ जीरो की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है और एफ वन अगर इधर है वो नीचे की तरफ आ रही है, करेक्ट? यानी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, यानी कि एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, समझ में आ रहा? तो एफ ऑफ जीरो का मैं क्या करूं इसके अंदर डालोगे यार, और क्या करोगे, और क्या करोगे, है ना? तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ जीरो डाल दिया तुमने x की जगह जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ सिर्फ टू बचेगा, एफ ऑफ वन क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा स्क्वायर प्लस वन,
minus 4 lambda plus 2 is less than equal to 0. You just have to, now 2 cannot be less than equal to 0 na. So sirf yahi hai jo sara faisla lega. Dil jaane je kare tujh pe nisar. Wavy curve method hai aur beech wala aapka interval aata hai is case mein. Pyar kiya hai re bahut. ये वाला इंटरवल आता है आपका, लेकिन आपको ओपन इंटरवल दे रखा है 0 से 1, तो यानी अब ओपन 1 एंड क्लोज 3 ले लो, है ना, ये ले लो. वैसे यहाँ पे दे नहीं रखा, पर एक्चुअली क्लोज्ड 1 3 का भी आपको देना चाहिए था उन्हें इंटरवल. सिंपल हो गया, समझ में आ गया बच्चा? आगे बढ़ जाएं. आई वॉन्ट टू सी सम स्पाइक इन द नंबर ऑफ लाइक्स, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, चिराग बिल्कुल उसको भी ले रहे हैं यार, आप टेंशन मत लीजिए. अभी हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद रिवर्स गियर मार के वापस आ रहे हैं. मैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा एक्चुअली वो ले रही हूँ, तो टाइम टेबल मैंने आपके साथ एक 3 मंथ्स का शेयर किया था, तो उसके अंदर जो मैंने खुद की तरफ से सेट करके दिया था, फिर मैंने एक पोल डाला था कि क्या हम उसी सीक्वेंस में आपकी ये सीरीज स्टार्ट कर दें. अरे वाह, सीक्वेंस में सीरीज स्टार्ट कर दें, मतलब उसी ऑर्डर में क्या हम इस सीरीज़ को लॉन्च करें, तो 70% जनता ने यही कहा था कि हाँ. सो दैट इज़ हाउ वी आर फॉलोइंग इट. चलिए अगले उस पर आते हैं. दिस इज द क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस पोजेसेस रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन. समझ लो इसको, यानी दो रूट्स हैं लेकिन दोनों के ऑपोजिट साइन है, तो इतना तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट आपका लेस देन जीरो होगा. और कुछ हो ना हो ये जरूर होगा, है ना, यानी कि आपका ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 प्रोडक्ट है ना बाय 3 शुड बी लेस देन 0. इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक चलेगा, करेक्ट. तो इसको 3 तो आपका यार पॉजिटिव ही होने वाला है. दिल जाने चे कर तुझ पे निसार किया है, ये वाला आ जाएगा ना इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 से 2, ए आ जाएगा ऑप्शन. कुछ है ही नहीं इस सवाल में, तो बहुत ही बेसिक वाला सवाल हो गया है, तो मज़ेदार उठा लेकिन, है ना, यस और नो. चलिए अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं. लोकेशन ऑफ रूट्स वैसे मैंने अलग से भी करवाया हुआ है, मैं आपको उसके भी क्वेश्चंस और से भी करवाऊंगी, लेकिन अभी हम क्या थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं. तो क्या करते हैं ना, हल्का सा टाइमर लगाते हैं एंड देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय अपने आप इस सवाल को करते हैं. थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो अब हम टाइमर के साथ करेंगे. चलिए बच्चों जल्दी से आ जाओ बच्चों. Let's go for this, my army. And I'll be right back. हाँ जी, अरे अगली बार पोल भी लगाती हूँ, है ना. अच्छा इसमें तो न्यूमेरिकल टाइप था. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्या करें. ओपन कर दें क्या, ओपन तो करना ही पड़ेगा देखने के लिए. कुछ कैंसिलेशंस तो नहीं हो रही, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा. कुछ इन दोनों को अगर मैं लूं,
इसको भी लूँ। और क्या लूँ, कुछ नहीं अभी तो, और कुछ नहीं कर सकते। ले सकते हैं क्या कुछ और कॉमन? प्लस 3x4 इसको और इसको ले सकते हैं ना। 9x4x3 + 4x एंड बाकी का क्या करें। 3x4 तो किसी के पास जाना ही नहीं चाहता है ना। कोई किसी और के साथ छूट तो नहीं रहा। 4x कह रहे हैं कुछ बच्चे। एक मिनट यहाँ क्या हुआ है। बस ओके कोई किसी के साथ नहीं छूट रहा ना। ये दोनों भी ले लिए, ये भी ले लिया, ये और ये बच रहे हैं। मैं सोची थी इनकी भी पेयरिंग हो जाए तो x-1 को तो निकाल के बाहर ही कर दें। x5 हो गया है, 3x³ कॉमन ले लूं तो 3x⁴ -1। अगर मैं यहाँ पे जो बचा है, ये बचा है मेरे पास। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर लूँ, इसको मैं ले लूँ 3x² है ना, प्लस x² - 1। अरे ये बढ़िया बात हो जाएगी। तो देखो यहाँ से भी 3x² कॉमन लेके x - 1 आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाया तो ये समझ में आया कि ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो रूखी सूखी सी टर्म्स बच गई थी उनको भी ऐसे ले लिया है ना। अच्छा, तो x-1 तो यार सारी तरफ से गायब हो गया। x-1 इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं उनको ले लेते हैं। -4x इधर से क्या बचेगा, -4x × x+1 भी आएगा, प्लस 3x² + x+1 इज़ 0, ठीक है। तो काट पीट के अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब और क्या किया जाए। नाउ कैन आई डू समथिंग सिमिलर। यहाँ से तो आपका x-1 हमने बाहर फेंक दिया। ओके यस दोस्तों, क्या हो रहा है। x⁻-x⁵-4x² - 4x + 3x² + x+1 = 0। अब यहाँ से देखो ये -x² बच रहा है, -3x + 1 = 0। ओके, अरे -1 को तो अच्छा हमने उसके साथ ही ले लिया था, ठीक है जी। अब मैं क्या क्या ले सकती हूँ। अब यहाँ से आई कैन टेक x⁵ कॉमन। तो यहाँ से अगर मैं रंग बदल रही हूँ, x⁵ कॉमन लूँ तो x² - 1 दे देगा। इन दोनों में से भी माइनस ले लूँ तो x² - 1। मतलब मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूँ आप देख सकते हो। x² - 1 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो x⁵ - 1 एंड यहाँ -3x = 0 आ रहा है। अब इधर मैं देखूँ तो x-1 मेरे पास, एक मिनट रुको, x-1 तो सारी जगह से कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बच गई थी जो अपने पास भी बच गई है, x7 this। इसको आई थिंक मैं फर्दर भी स्प्लिट कर सकती हूँ कुछ इस तरह से। मतलब अल्टीमेटली ना अपने पास ये सिचुएशन आ जाती है अपने पास। तो x = 1 है, +-1 यानी कि अभी तक +-1 है। इसके अंदर क्या होता है, x⁵ + 3x - 1 दिस बेसिकली इज लाइक अ मोनोटोनिक टर्म। बेसिकली आप कुछ भी वैल्यू दो, या तो ये फिर इंक्रीज ही करता जाएगा या डिक्रीज करता जाएगा, ये कहीं भी जीरो पे नहीं जा रहा है।
सो आपको सिर्फ यहाँ से दो ही दो तीन ही रियल रूट्स मिल रहे होंगे, तो x इक्वल टू वन और वन तो रिपीटेड है और एक माइनस वन मिलेगा, तो तीन आ रहे हैं आपके रूट्स इसके, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं एक बार, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बच्चों, एंड नोट्स को तुम्हें पाना है तो आई वॉन्ट टू सी कम से कम 1000 लाइक, देन ओनली आई विल शेयर द नोट्स, ठीक है। चलिए तो हमने यहां पे सिर्फ ये किया था कि अरे एक सेकेंड, हाँ हमने सिर्फ यहां तक देखो x माइनस वन मैंने निकाल कर दे दिया था तुम्हें, अब जो बचा है उसको हमने फिर से स्प्लिट करके उसमें से x स्क्वायर माइनस वन को कॉमन निकाला है। बेसिकली जो हमारे पास ये बचा था उसमें से फिर से x स्क्वायर माइनस वन को कॉमन निकाला है, तो उसके लिए मैंने इसकी फिर से स्प्लिटिंग करी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बेसिकली दिखा दिया है जस्ट टू शो कि अल्टीमेटली आप चीज़ों को कॉमन ही लोगे। चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ये लोग भी रूट्स हैं यार ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर क्या, क्या कॉमेंट कर सकते हैं हम इसके बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो यार सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा को आप रूट टू आ जाएगा आपका, अल्फा बीटा रूट सिक्स आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं इनका भी सम ले लूं तो आप क्या करोगे, आप इनका सम लोगे तो आप बोलोगे वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ए, ओके। एंड प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या ही आएगा, प्रोडक्ट ले सकते हो ना, इज इक्वल टू बी। आपको अल्टीमेटली बताना है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर क्या, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हल्का सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करने वाले हैं, तो एक एक करके लेते हैं। अगर जैसे ये चीज दे रखी है मुझे, ऑब्वियसली मैं ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो यूज कर ही सकती हूँ इसमें। सो आई गेट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या फिर यार मैं इसके साथ नहीं लेती ना, इसका तो एलसीएम लेना बहुत ही यूजलेस है, प्लस टू अपने को दिख तो रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से आपको कुछ आइडेंटिटीज करवाई थी बिगनिंग ऑफ द सेशन में, ठीक है जी। ये काम कर सकते हैं, हम वैल्यू डालेंगे एक ही वैल्यू मुझे मिल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा टू आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा रूट सिक्स आ जाएगा, एंड अगर आप इसे स्क्वायर कर रहे हो तो सिक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस ए, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन माइनस टू रूट सिक्स बाय सिक्स इक्वल टू माइनस ए, करेक्ट। अपनी ए की थोड़ी वैल्यू ऐसी अजीब सी आ गई है, पर आ गई है, कुछ तो आ गई है ना, ए क्या आ गया, मतलब मैं माइनस के साथ अगर ले लूँ तो टू रूट सिक्स, तो मैं रूट सिक्स बाय थ्री कह सकती हूँ, एंड फोर्टीन बाय सिक्स मुझे क्या देगा, सेवन एंड थ्री, ये मेरा ए आ गया। आप भी ज़रा इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करके देखो क्या ए आपका भी यही आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करके कि क्या आपका भी ए यही आ रहा है, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाले के साथ लेते हैं अल्टीमेटली, तो आप अगर आप बी भी निकाल लोगे आपको यहाँ का एक आइडिया हो जाएगा फिर, है ना, इक्वेशन मिल जाएगी ना मुझे, फिर मैं उसके बारे में कॉमेंट मार सकती हूँ, ओके। अब ज़रा देखिए हम प्रोडक्ट, तो मैं ये हटा देती हूँ है ना, एंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट में क्या होगा यार, वन बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू बी 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 बी। अब देखो यहाँ पे फिर से वैसी चीज़ें आ रही है, ये तो आपको सिक्स ही आ रहा है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सिक्स आ रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, सो बी की वैल्यू क्या आ रही है, 9 माइनस टू रूट सिक्स बाई सिक्स इक्वल टू बी, तो यानी बी क्या आ रहा है तुम्हारा, बी इधर लिख लेते हैं, 3 बाई टू माइनस रूट सिक्स बाई थ्री। एक बार चेक कीजिए ज़रा, है ना, एक बार ही चेक करो ज़रा। अब मेरे को क्या पूछा यार, a प्लस बी माइनस टू, ए प्लस बी प्लस टू, अरे यार मुझे प्लस टू माइनस टू को अलग रखना चाहिए था, ज़रूरत ही नहीं थी ऐड करके दिखाने की। एनीवे जो भी है, अब जो भी है, ए प्लस बी फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर आप देखो ये दोनों कट रहे हैं एंड ए प्लस बी यानी 7 बाई थ्री, तो मतलब 3 बाई टू माइनस 7 बाई थ्री विल बी 6, अगर एलसीएम ले लें तो 9 एंड 7 टू ज़ा 14, वाह वाह दोस्तों वाह, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 5 बाई सिक्स, माइनस 5 बाई सिक्स एंड माइनस टू, माइनस 17 बाई सिक्स, अरे बाबा। तो यार यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 17 बाई सिक्स एक्स, ठीक है। अब इसी प्रकार से ए प्लस बी आया तुम्हारा, उसमें प्लस टू कर दो, तो यानी 2 माइनस 5 बाई सिक्स आप लोगे तो वो 7 बाई सिक्स आ जाएगा, प्लस 7 बाई सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्वाड्रेटिक आ गई है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 7 इज़ ज़ीरो, आ गई है सबके लिए, आ गई है सबके लिए क्वाड्रेटिक। ये ताम झाम हटा दिया जाए क्योंकि अब इसी पे खेलना है तुम्हें, कूल नाइस। सो मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये वाली क्या आ गई है, क्या थी देखो, मैं इतनी बारी वो किया कि भूल ही गई, है ना, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 7 इक्वल टू ज़ीरो, यही आ गई थी ना, प्लस 7 ही था, माइनस 7 तो नहीं था। चलिए अब मैं कैसे पता लगाऊँ यार, डिस्क्रिमिनेंट जिंदाबाद, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख लो यार पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब जो भी है 289 है एंड 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 तो 240 से तो कम ही बन रहा है ना, तो मेरे को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सॉरी लेस देन ज़ीरो क्यों आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है ना, तो ऐसे केस में रियल एंड रियल रूट्स आएंगे, है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो रियल एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज़ पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव क्या करेंगे हम, देखो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी बाई ए विच इज़ पॉजिटिव, करेक्ट, तो क्या मैं बोल सकती हूँ रियल एंड बोथ पॉजिटिव, यार रियल एंड बोथ नेगेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आ रहा है यार उस पर डिपेंड कर रहा है, आंसर तुम्हारा ये नहीं आएगा, इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा, क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी सेम साइन के दोनों बंदे होंगे। दूसरी चीज सम क्या है, माइनस 17 बाई सिक्स है, अगर दोनों ही सेम है तो फिर अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो सम नेगेटिव कैसे आएगा, इसका मतलब बी इज द आंसर, करेक्ट। आई नो बहुत सारे बच्चे सी की तरफ जा रहे थे, मैंने भी पहले इनिशियली तुम्हें सी बोला लेकिन फिर मैं मोड़ के यहां पे ले आई, या सो यू हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस वन। चलिए एक और सवाल झटपट से ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, बी सच दैट एफ ऑफ वन एफ ऑफ माइनस टू एफ ऑफ थ्री दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है, लैम्डा पता लगाना है, इसको यार डू इट योरसेल्फ बनाते हैं, मैं दूसरा सवाल करूँगी, इसका मुझे कमेंट चाहिए आपके कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई खास कुछ नहीं दिया, क्या मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। मैं एक अनदर सवाल पे जा रही हूँ, आइए
sum of cubes of all the roots of the equation. Sum of cubes of all the roots. पहली बात तो यार ये आपकी क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या करूँ. एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि अगर मैं एक्स को ज़ीरो पुट करूँ, देखो मेरा मेन एम क्या है, मैं किसी तरह इसको खींच तान के क्वाड्रेटिक बना दूँ. अब एक्स इक्वल टू ज़ीरो डालूँगी मैं तो यहाँ वन इक्वल टू टेन आएगा, जो विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ रूट है ना, मतलब रूट तो हो ही नहीं सकता. ये एक मिनट, ये मेरे को ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है, यहाँ पे गलती से 10 लग गया, ये ज़ीरो ही होना चाहिए, शुड बी ज़ीरो ओनली, मतलब ये रूट तो आ नहीं रहा, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इट्स नॉट अ रूट. अगर नहीं है तो क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर से इस पूरे को डिवाइड कर दूँ, कर सकते हैं ना, जब रूट ही नहीं है तो डिवाइड कर दो उठा के. और एक्स स्क्वायर से क्यों, ताकि यहाँ पे आपको भी एक फीलिंग आए. सो डिवाइड थ्रू आउट विद एक्स स्क्वायर. आई नो यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी अजीब बन गई है, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दो तो, मतलब देखो अगर इन तीनों को, इसको इसको और इसको साथ ले लो, एंड इसको अगर मैं ले लूँ x माइनस वन बाई एक्स, ये क्या दे रहा है मुझे, x माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू ज़ीरो. अब चाहे तो x माइनस वन बाय एक्स को थोड़ी देर के लिए कुछ बुला लो, या फिर डायरेक्टली आपको दिख रहा है x माइनस वन बाय एक्स को आप कॉमन ले लो. इसका मतलब या तो x माइनस वन बाय एक्स ज़ीरो है या फिर x माइनस वन बाय एक्स थ्री है. अगर तो ज़ीरो है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ज़ीरो, यानी कि क्योंकि x तो नॉन ज़ीरो है, x प्लस माइनस वन होगा. ओके, दिस इज़ वन कंडीशन. अगर ये है तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इसको क्या करोगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो ये सारी की सारी पॉसिबल वो है आपकी रूट्स है. अब मुझे क्या पता लगाना है, अब यहां से दो रूट्स आ रहे हैं, लेट्स से मैं इनको अल्फा और बीटा बुला दूं, तो अल्फा मेरा वन है, बीटा मेरा माइनस वन है. यहां पे ये कॉन्जुगेट्स है, सो थ्री बाय टू प्लस रूट थर्टीन बाय टू, एंड डेल्टा इज थ्री बाय टू माइनस रूट थर्टीन बाय टू. अभी तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं. नाउ द गेम इज सम ऑफ रूट्स लेना है मुझे, लेकिन मुझे पता क्या लगाना है, यहाँ पे भी ज़रा नज़र रखी जाए पीपल. क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स, तो यानी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब. तो अगर आपको लग रहा था कि ये तो फोर्थ पावर की है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास रूट्स तो आ रहे हैं, नहीं, रूट्स तो अल्टीमेटली चार ही आ रहे हैं. इट वॉज जस्ट अ वे ऑफ सॉल्विंग. मेरे को यार ये पता लगाना है, इसके लिए मैं क्या करूँ, दिस इज वॉट आई हैव टू फाइंड आउट टू गेट द वैल्यू. एक्स नॉट इज वन, हाँ बिल्कुल ठीक. तो अब इसके लिए आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब वाला यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन पुट इन द वैल्यूज. ठीक है, जैसे कि आपके पास जो जो भी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये मतलब सारा कुछ आ गया है, आप चाहो तो सम एंड वो सारा. वैसे अगर ये चीज़ रुक जाओ, आ गया है, मैं रूट्स नहीं भी निकालूँ, लेट्स से यहाँ पे मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा मेरा ज़ीरो होगा, एंड अल्फा बीटा ये तो इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है ना मेरा माइनस वन होगा, है ना. एंड यहाँ पे मैं देखूँ तो गामा प्लस डेल्टा मेरे पास क्या होगा, ऑब्वियसली हम गोना ऐड देम अप, थ्री बाय टू थ्री बाय टू सिक्स बाय टू, यानी कि थ्री होगा. एंड गामा डेल्टा मतलब यार ऐसे बने हैं ना ये लोग, कॉन्जुगेट है आपस में. सो अगर मैं ले लूँ तो नाइन बाय फोर माइनस थर्टीन बाय फोर, देखिए माइनस फोर बाय फोर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, मैं आपका ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, वन माइनस दिस थिंग, जहाँ पे बेसिकली क्या है, याद रखो अपने पास क्या क्या आ चुका है,
अल्फा प्लस बीटा इज जीरो, अल्फा बीटा इज माइनस वन, गामा प्लस डेल्टा इज थ्री एंड गामा डेल्टा इज माइनस वन. तो मैंने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाया तुम्हारा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, एंड उसके बाद उसकी वैल्यूज इंसर्ट करते हुए 36 आंसर आ रहा है. हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डायरेक्टली लिख दिया है, करा वही है जो शुरू में आपके फॉर्मूलाज बताए थे ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब, मतलब कुछ ऐसे अलग नहीं किया मैंने, अगर आपको ये दिखा दिया है तो किया वही है, डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस गामा प्लस डेल्टा होल क्यूब माइनस थ्री गामा डेल्टा गामा प्लस डेल्टा. अब वैल्यूज वही डाली हैं वहाँ, मतलब झटपट डाल दी. तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या है, ज़ीरो है. माइनस थ्री अल्फा बीटा क्या है, कुछ भी हो यार, ये जब ज़ीरो आ गया है, समझ गए. प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा अभी हमने क्या लिखा, थ्री है. माइनस थ्री गामा डेल्टा जो क्या बन रहा था अपना, थ्री गामा डेल्टा आपका माइनस वन बन रहा था, करेक्ट. एंड फिर से ये थ्री है, यही है यार, ये बस मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा कर आपको दिखा दिया था सॉल्यूशन, है वही चीज़. तो 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी. तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको बिगिनिंग में ही करा दिए गए थे, राइट. उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है, तो फटाफट से इसको करते हैं और फिर आज के सेशन को रैप अप करते हैं, है ना. तो सम ऑफ ऑल रूट्स, अब यार यहाँ ई रेस टू पर एक्स को नीचे लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ई रेस टू पर एक्स यहाँ आ जाएगा माइनस 45 इज अ ज़ीरो. अब अगर आप ई रेस टू पर एक्स को कुछ टी पुट कर लो तो टी क्यूब माइनस 11 टी स्क्वायर प्लस 81 बाई 2 टी माइनस 45 इज ज़ीरो, ठीक है. ये चीज़ आ रही है, अब आप देखो क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसमें. इनफैक्ट अगर मैं एलसीएम ले लूं, प्लस 81 टी, देखो वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन हल्का सा अगर क्यूबिकल ले लूं, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लॉग पी, एंड प्रोडक्ट मतलब सम एंड प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट पहले लेती हूँ, अब देखो क्यों ले रही हूँ. अगर मैं लेट से मान लूँ कि ये क्यूबिक है और इसकी रूट्स ये हैं टी वन टी टू टी थ्री, अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो उससे बहुत झटपट से आता है. प्रोडक्ट क्या होता है एक क्यूबिक का, प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो आप कैसे लेते हो, माइनस प्लस माइनस, तो नेगेटिव ऑफ दिस 90 अपॉन 2 45 आ गया, ठीक है. अब ये ऐसा लिया क्यों मैंने, क्योंकि ये आ जाएगा आपका ई एक्स वन इंटू ई एक्स टू इंटू ई एक्स थ्री, जो एक्चुअली आपको चाहिए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज 45. तो यानी कि फाइनल आंसर तुम्हारा लॉग 45 आ रहा है, तो पी को कंपेयर करो तो 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी. तो आई थिंक यहीं पे इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बढ़ते जाएंगे. एक बारी वेरी क्लियरली जल्दी से बता दूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को ये सारी की सारी पीडीएफ एक बार दोबारा से रिवाइज करने के लिए इस सेशन की वर्कशीट, प्रैक्टिस वर्कशीट मिल जाएगी. एंड इसके साथ साथ आपको और भी सवाल आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, एंड करने ही है तभी आपकी तैयारी पूरी होती है. जैसे कि अगर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स करवाया तो लेटेस्ट सेशन आप यहाँ से देखो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए यार तुम्हें 2022 के यहाँ 21 तक है आई थिंक, मैं एक बार ही उसको चेंज करा दूँगी, 2022 के 2021-22 मतलब ये तो मिनिमम क्वेश्चंस करने ही हैं, और फिर आप नए नए सवाल करना चाहते हो तो एनटीए के करो. तो जब आप ये पूरा चंक करते हो, मतलब मिनिमम जो आपने करने है ना, ये सीरीज देनी है, इसके साथ वर्कशीट करनी है, फिर इसके साथ साथ 2021 के 20 के और समय मिले तो उससे पीछे जाना है, तब आपकी तैयारी होती है रॉक सॉलिड. इसके साथ साथ आप लोग जो मॉक पेपर्स की बात करते हो, जब एक बार आपका पूरा सिलेबस, ये पूरे सिलेबस के वो हैं वीडियोज हैं along with their notes, along with my handwritten notes, इस वीडियो के नीचे भी आपको quadratic equation के मेरे handwritten notes मिल जाएंगे, okay? And इसके साथ साथ देखो यहाँ पे mock papers तुम्हारे लगे हुए हैं,
प्रैक्टिस के लिए. फिर अगर तुम्हारा एक बार जैसे कंप्लीट हो गया है कुछ एंड तुम चंक में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एवरीथिंग इज देयर. एंड आपने ये चीज़ें करते हुए चलनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बात बनेगी. आपकी जो एडवांस की सीरीज भी हुई थी उसके भी सारे कंपाइल्ड वीडियोज इधर लगे हुए हैं. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन J23, इनफैक्ट 24 वाले भी देख सकते हैं. एंड हो सकता है यार आप इस वीडियो को किसी को जैसे ओपन करो और आप बोलो अरे तो 21-22 के क्वेश्चंस हैं या 21-22 की वीडियोस बनी हुई हैं. तो बनी हुई हैं तो क्या हुआ, आपका सिलेबस तो वही है, तो रेलिवेंट तो आपके लिए उतनी ही है. सो एब्सोल्यूटली तो ये मतलब बिल्कुल छटाई करके 2023 के लिए बनाया गया है स्पेशली PDF. बिल्कुल भी मिस मत करो. एंड वेरी वेरी क्विकली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आपका आगे का शेड्यूल, ठीक है. तो ये भी अब आज हो चुका है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स एंड AOD आपका नेक्स्ट होने वाला है एक एक दिन के गैप पे. एंड जैसे कि सर मुझे बताने आए थे कि भैया ये सेशन सर ने रिलीज भी कर दिया है चैनल पे. अच्छा ऐसा है क्या, ये रहा लिमिट्स भी सर ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है तुम्हारे परसों के लिए. शेड्यूल पूछ रहे हैं तो हाँ मैंने दिखा दिया सर. शेड्यूल दिखा दीजिए और PDF लग चुके हैं मैम सारे. चलिए जी, मैं तो कह रही थी कि बच्चे लाइक वाइक करेंगे फिर लगाइएगा, पर सर बन चुके हैं फिलेंथ्रोपिस्ट और सर ने लगा दिया है. ठीक है जी, चलिए सी यू गाइज लाइव अगेन वेरी सून. लेकिन यार ये काम करते रहना चाहिए, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दिस एंटायर PDF जो आपके बहुत ही काम की है. क्या एंड सिंपल सी बात है, इस सीरीज या कोई भी सीरीज जो आज तक इस चैनल पे चली है, इट इज वेरी क्लियर कि मेरा इंटेंट कभी भी ये नहीं होता या कोई हिडन एजेंडा नहीं होता कि यार मैं मुंह से तो बोल रही हूँ कि चलो बेटा मैं सब कुछ कराऊंगी या प्रैक्टिस करते चलो, लेकिन अल्टीमेटली मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी और बोलूंगी ये चीज खरीद लो. लेकिन this is not happening on this channel. This channel has been made purely out of passion. यानी कि जब भैया इस session में enter किया जाता है तो घड़ी नहीं देखी जाती, ये नहीं देखा जाता कि किसी topic को करने के लिए कितना वक्त लग रहा है. The pure intent is कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जितने भी better way में हैं उनसे करवाई जाएं, right? So absolutely with that intent, I will see you guys live again. बट इसको डाउनलोड करना मत भूलना, इट इज लाइक आज की भाषा में बोलें तो ब्रह्मास्त्र. सो मेक श्योर टू चेक दिस आउट. हर सेशन के साथ साथ वीडियोस अपलोड एग्जैक्टली अपडेट होते जा रहे हैं, जैसे कि वाला सेशन भी अपडेट हो चुका है ऑलरेडी. तो अब नेक्स्ट अगर हमारा लिमिट्स है तो लिमिट्स ऑब्वियसली आपके आप देखोगे जैसे हम ये कैलकुलस के पार्ट को अब थोड़ा एंटर कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट सेशन भी यहाँ पे लग जाएगा जैसे ही वो खत्म होगा. सो वी आर कॉन्टिन्यूसली अपडेटिंग दिस PDF फॉर यू. सो मेक श्योर कि गो एंड चेक इट आउट. चलिए सी यू गाइज, बाय बाय.